हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीएमए फाउंडेशन का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हम सीएमए फाउंडेशन में पढ़ाएंगे वो है फाइनल अकाउंट। कि सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे हम, फाइनल अकाउंट। और जो लोग जानते होंगे मुझे वो जानते होंगे कि सर अगर आप कुछ स्टार्ट करिएगा तो वो कंप्लीट होगा और वो पूरा पढ़ाया जाएगा। इससे पहले हम सीए फाउंडेशन कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, क्लास ट्वेल्थ ऑलमोस्ट खत्म होने को है वो भी हम पूरा पढ़ाए हैं। और अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीएमए फाउंडेशन का क्लास। और सीएमए फाउंडेशन में हम क्या पढ़ाएंगे, अकाउंट्स का पेपर, क्योंकि हम सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ाते हैं। तो जब हम आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे तो मेरे साइड से आप सीएमए फाउंडेशन का अकाउंट्स पूरा पढ़िएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप कौटिल्य कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारा एक सब्सिडरी चैनल भी है कौटिल्य कॉमर्स इन्फो, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ वीडियोस कौटिल्य कॉमर्स में आएंगे, कुछ चैप्टर्स, और कुछ चैप्टर्स आपको कहां मिलेंगे, कौटिल्य कॉमर्स इन्फो पे। ये हुआ हम लोग का बात कि कैसे पढ़ाया जाएगा। अब आइए चैप्टर की ओर चलते हैं, फाइनल अकाउंट। तो हम लोग का जो सीएमए फाउंडेशन में फाइनल अकाउंट है वो किसका है, प्रोप्राइटरशिप फर्म का। प्रोप्राइटरशिप फर्म का मतलब सर हम बोल रहे हैं जब कोई एक व्यक्ति, एक आदमी बिजनेस को करता है तो वो अपना अकाउंट जो बनाता है उसको हम बोलते हैं सर सोल प्रोप्राइटर्स का अकाउंट है वो, कि मालिक कितना है, सिर्फ एक उसके लिए। उसी को लेकर हम लोग का डिस्कशन भी है। आइए बात करें शुरू। इससे पहले कि हम बताना शुरू करें, हम आपसे तीन चीज का उम्मीद रखते हैं कि आपको तीन चीज आता होगा, जर्नल एंट्री, दूसरा लेजर और तीसरा ट्रायल बैलेंस। ये तीन चीज आप क्लास 11th में ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ के यहां तक आते हैं। फिर भी अगर आप नहीं पढ़े हैं तो सीएमए फाउंडेशन में भी ये तीनों चीज पढ़ना तो है, लेकिन क्योंकि हम फाइनल अकाउंट से शुरू कर रहे हैं तो ये चीज तो सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे। हम तो ये मान रहे हैं कि आपको आता है ये तीनों चीज, और ये तीनों चीज आने के बाद ही आपको फाइनल अकाउंट समझ में भी आएगा। इसी के साथ साथ कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स होते हैं, जैसे एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, फिक्स एसेट्स क्या है, करेंट एसेट्स क्या है, फिक्स लाइबिलिटी क्या है, करेंट लाइबिलिटी क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम क्या है, फिर आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल्स क्या क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, गोइंग कंसर्न क्या होता है। हम ये मानते हैं कि आप ये सब चीज जानते होंगे। सपोज करो अगर आपको नहीं पता है कि सर ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और जो थ्योरेटिकल, जो बेसिक थ्योरी होता है अकाउंट्स का, अगर आपको वो नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ये तीनों जो बात हम किए, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो होता है जो अकाउंट्स में आपको जानना चाहिए, वो हम ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाओ और आप थ्योरेटिकल पार्ट को और जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस को आप वहां से भी सीख सकते हो। क्या वो सीएमए का है, हम बोल रहे हैं नहीं, वो क्लास 11th का है। लेकिन क्लास 11th जितना अच्छा से आपको जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सिखा सकता है उतना अच्छा से आपको यहां पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होते हैं हम लोग के पास। आइए, तो अगर आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है अकाउंट्स का तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप पक्का उसको जाके देखिएगा। बस इतना ही सब बात है। अब चैप्टर पे आते हैं हम लोग, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सर हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ना है, क्या होता है फाइनल अकाउंट। हम बोले सर नाम से महसूस होता है कि सर ये वो अकाउंट है जो सबसे लास्ट में बनता है। हम बोले हाँ, क्यों बनता है फाइनल अकाउंट, ताकि हमको बिजनेस, जो बिजनेस हम कर रहे हैं उस बिजनेस का रिजल्ट मालूम चले। क्या है रिजल्ट, हम बोले सर प्रॉफिट या लॉस। किसी भी बिजनेस को करने से उस बिजनेस में क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो फाइनल अकाउंट भी वही काम करता है कि फाइनल अकाउंट, जब आप फाइनली अकाउंट्स को बना लेते हैं तो उससे क्या निकलता है, हम बोले प्रॉफिट और लॉस निकलता है, और आपको अपना पोजीशन पता चलता है। पोजीशन का मतलब क्या है, एसेट्स और लाइबिलिटीज, बिजनेस में कितने एसेट्स हैं और कितने लाइबिलिटीज हैं, ये भी आपको फाइनल अकाउंट से पता चल जाता है। तो बोल सकते हैं कि फाइनल अकाउंट क्या है सर, ए सेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कि सर फाइनल अकाउंट मेनली ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट का सेट है। क्यों बनाते हैं, ताकि सर हमको ये पता चले कि
कि किसी बिजनेस का वर्किंग रिजल्ट मतलब उसका प्रॉफिट या लॉस कितना है और उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज कितना का है ये पता चले। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रॉफिट होता है वो एक गिवन पीरियड का होता है। जैसे हम लोग जानते हैं अकाउंट्स में अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 12 मंथ का होता है इन नॉर्मल केसेस, इन जनरल कुछ ना बोले तो हम लोग मानते हैं कि सर अकाउंट्स के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है 12 महीने का। तो जो प्रॉफिट या लॉस आप किसी बिजनेस का निकालते हैं वो एक अकाउंटिंग पीरियड का होता है। अगर वो अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का है तो प्रॉफिट 12 महीने का, अगर वो अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से कम का है तो जितना का अकाउंटिंग पीरियड है उस पीरियड का प्रॉफिट है। तो जो प्रॉफिट होता है वो एक पीरियड का प्रॉफिट होता है, वो कोई मोमेंट्री नहीं होता, वो किसी मोमेंट का प्रॉफिट नहीं है कि हम बोलेंगे हाँ इस दिन का प्रॉफिट, वो एक लमसम पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं कि सर अकाउंटिंग पीरियड का ये प्रॉफिट है। लेकिन जो बैलेंस शीट होता है वो किसी पर्टिकुलर डेट पे होता है। बैलेंस शीट कभी भी किसी पीरियड का नहीं होता है कि इस साल का पूरा बैलेंस शीट है। इसीलिए हम लोग जब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे आप लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब आप एक पीरियड का बता रहे हैं कि इस पीरियड का ये प्रॉफिट एंड लॉस है। लेकिन जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां पे आप लिखते हैं एज एट, आप उस दिन का नाम लिख देते हैं कि भाई ये बैलेंस शीट इस दिन का है, अगला दिन ये बैलेंस शीट अलग हो जाएगा। तो जो हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसमें जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो हम लोगों का फॉर द पीरियड बनता है, लेकिन जो बैलेंस शीट होता है वो एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है। यहां तक का बात समझते हैं आप मेरा, इसी बात को यहां लिखे हैं कि फाइनल अकाउंट इज ए सेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कि फाइनल अकाउंट क्या है सर? ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट का कॉम्बिनेशन है। हम बोले हां क्यों बनाते हैं? प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। जो फाइनल अकाउंट बनता है वो किससे बनता है? ट्रायल बैलेंस से और ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट से। कि सर कुछ एडजस्टमेंट होते हैं और ट्रायल बैलेंस होता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट हम लोग ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट को बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? टू फाइंड आउट वर्किंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट जानने के लिए। वर्किंग रिजल्ट का मतलब कि सर बिजनेस को प्रॉफिट है या लॉस है ये जानने के लिए। फॉर ए गिवन पीरियड, जैसा हम बोले भी थे कि सर जो प्रॉफिट लॉस होता है वो एक पीरियड का होता है। एंड फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस का मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज, कि सर उस बिजनेस में कितने का एसेट्स और लाइबिलिटीज है एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, जो कि एक पर्टिकुलर डेट का होता है। तो इस बात से यह मालूम चला कि सर फाइनल अकाउंट जो है वो कॉम्बिनेशन है ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट का, जो कि बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट की हेल्प से। हम बोले हां क्यों बनाया जाता है? ताकि हमको बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस मालूम चल सके और बैलेंस शीट के अंदर कितने का एसेट्स और लाइबिलिटीज है, मतलब किसी बिजनेस का एसेट्स लाइबिलिटीज कितना का है ये मालूम चल सके। प्रॉफिट लॉस पीरियड का होता है जबकि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट का होता है। यहां तक का बात समझते हैं आप मेरा? अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कंसर्न जो ट्रेडिंग करता हो तो वो अपना फाइनल अकाउंट में तीन चीज बनाता है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एक पीएल दो, और तीसरा क्या बनाता है वो बैलेंस शीट। सर ट्रेडिंग कंसर्न कौन होते हैं? ट्रेडिंग कंसर्न वो होते हैं जो रेडीमेड सामान खरीद के लाता है और बेच देता है। आप कई सारे चीज देखे होंगे, जैसे आप किसी रेडीमेड दुकान में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आपको वहां क्या देखते हैं कि सर शर्ट है, जींस है, टी शर्ट है, तो वो क्या है? रेडीमेड है। क्या वो अपने घर में बैठ के उस शर्ट टी शर्ट और जींस को बनाया है? नहीं, वो बनाता नहीं है, वो किसी और जगह से लाता है रेडीमेड तैयार माल और फिर वो आपको कस्टमर को बेच देता है। तो ऐसे कंसर्न जो रेडी गुड्स को लाते हैं, जो गुड्स रेडी है उनको लाके बेचते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं, उनको बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। मतलब वो बनाते नहीं है सामान को, वो तैयार सामान लाते हैं और बेच देते हैं। वैसे बिजनेसेस को बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न कि सर ये जो है ये ट्रेडिंग एंटिटी है। तो वो लोग सिर्फ तीन चीज बनाते हैं, ट्रेडिंग, दूसरा पीएल और तीसरा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएल को हम लोग क्योंकि साथ में बनाते हैं इसीलिए ट्रेडिंग एंड पीएल का नाम साथ में ले लिया जाता है, और बैलेंस शीट क्या होता है सर? वो अलग से बनाया जाता है। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मतलब हम बोले सर वो लोग
जो रेडीमेड सामान नहीं लाते हैं, वो अपने यहां पे रॉ मटेरियल लाते हैं, फिर उससे चीजों को कंप्लीट करके पूरा कंप्लीट बनाते हैं और फिर वो बेचते हैं, ऐसे को बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। जैसे हम बोले सर जो कपड़ों का दुकान होता है वो रेडीमेड लाता है, लेकिन जो कपड़ों का फैक्ट्री होता है वो तो अपने यहां क्या करता है सर, वो रॉ मटेरियल लाता है, फिर उसको मैन्युफैक्चर करता है, कंप्लीट करता है और फिर बेचता है। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रेडीमेड की तरह काम नहीं करता है, वो रॉ मटेरियल लाता है, उससे चीजों को फिनिश करता है, फिनिश गुड्स बनाता है और तब बेचता है। तो ऐसे कंसर्न्स को, ऐसे बिजनेसेस को मेनली चार अकाउंट बनाना पड़ता है, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग, तीसरा पीएल और चौथा बैलेंस शीट। तो उसके फाइनल अकाउंट में ये चार नाम आते हैं, ट्रेडिंग पीएल साथ में कॉम्बाइन, मैन्युफैक्चरिंग को अलग कर लिया और बैलेंस शीट तो अलग रहेगा ही। तो आपके मन में दूसरा जवाब बात हम डाल दिए कि सर दो तरह कंसर्न होता है, एक ट्रेडिंग कंसर्न, दूसरा कौन सा होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न जो होते हैं वो फाइनल गुड्स लाते हैं सीधा, तैयार किया हुआ माल लाइए और आगे बेच के प्रॉफिट या लॉस कमा लीजिए। दूसरे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो चीजों को खुद से मैन्युफैक्चर करता है, खुद से बनाता है और फिर उसको सेल करता है, ऐसे यूनिट्स को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। जो ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं वो अपने फाइनल अकाउंट के अंदर तीन चीजों को बनाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पीएल अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हैं वो चार अकाउंट्स बनाते हैं अपने फाइनल अकाउंट के लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चौथा बैलेंस शीट। हम बोले ओके सर आप ये तो बताएं नहीं कि ये जो बनाते हैं उससे क्या मालूम चलेगा, हम बोले अभी बताते हैं। ट्रेडिंग कंसर्न जो ट्रेडिंग और पीएल बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से वो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालते हैं। बैलेंस शीट वो तो एसेट्स और लाइबिलिटीज बताता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस निकालते हैं, जो गुड्स को वो बनाए हैं अपने यहां उसका लागत कितना लगा, कॉस्ट कितना लगा, ये वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से निकालते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालते हैं और फाइनली क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, जिससे उनका एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में पता चलता है। तो ये हुआ हम लोगों का कि सर एक फाइनल अकाउंट के अंदर जब कोई बिजनेस अपना फाइनल अकाउंट बनाता है तो उसके अंदर वो क्या क्या बनाता है। तो हम बोले वो तो डिपेंड करता है कि वो कौन सा कंसर्न है। अगर वो ट्रेडिंग कंसर्न है तो वो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाएगा, ट्रेडिंग से क्या निकालेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, पीएल अकाउंट से उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और बैलेंस शीट से उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हम बोले एसेट्स और लाइबिलिटीज। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो फिर वो पहले बनाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या निकलेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से बना के, सर कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि सर इतना रुपया लगा बनाने में, सामान को तैयार करने में। दूसरा बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट जिससे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, तीसरा बनाता है पीएल अकाउंट जिससे निकलता है नेट प्रॉफिट, और फाइनली बनाता है बैलेंस शीट जिससे मिलता है एसेट्स और लाइबिलिटीज किसी बिजनेस के अंदर। तो ये हुआ हम लोग का बात। अगला चीज सर फॉर्मेट, आओ फॉर्मेट की तरफ चले कि सर ट्रेडिंग पीएल, जैसा आप देख रहे होंगे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम क्या लिखे हैं, फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब कि सर ट्रेडिंग पीएल एक पीरियड का बन रहा है। अगर मान लो जर्नली अगर अकाउंटिंग पीरियड मेरे 12 महीने का है तो ये जो ट्रेडिंग पीएल हम बनाएंगे ये क्या बता रहा होगा कि भैया इसके अंदर 12 महीना का बात रिकॉर्ड है। ठीक, अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे, आप भी साथ साथ लिखिए। आइए पहले इतना बात को तो आप लिख लीजिए, थोड़ा स्क्रीन को नीचे करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। जब हम बोलते हैं कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है तो आपके दिमाग में क्या जाता है कि सर अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो ये अपने अंदर सिर्फ एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन, इसी बात को रिकॉर्ड करेगा। ये है डेबिट साइड और ये है आपका क्रेडिट साइड। जैसा कि हम लोग पढ़ के आए होते हैं कि सर नॉमिनल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन।
तो ट्रेडिंग पीएल एक नॉमिनल अकाउंट है जिसके डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिकॉर्ड होते हैं और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है, हम बोले सर इनकम और गेन। आइए शुरू करें। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, कि सर ये है शुरू में रखा हुआ सामान। फिर और क्या लिखते हैं, टू परचेजेज, और इससे माइनस कर देते हैं रिटर्न। अगर कोई परचेज का रिटर्न होता है तो वो माइनस कर देते हैं। परचेज रिटर्न का एक और नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। हम बोले ओके। और क्या लिखते हैं सर, सेल्स, इससे माइनस करते हैं रिटर्न। सर कौन सा रिटर्न है ये, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड। और क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। सर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है वैसा खर्चा जो कि सामान को रेडी टू यूज के जगह में पोजीशन में लाने के लिए हम खर्चा करते हैं, वो सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग खर्चा, वेजेज, कैरेज, फ्राइट, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। मान लो हम कोई रेडीमेड सामान मंगवा रहे हैं चेन्नई से, तो जब तक वो मेरे पास पहुंचेगा नहीं तब तक हम बेचेंगे कैसे उसको, तब तक बिजनेस कैसे होगा उसका। तो जब तक वो मेरे पास नहीं आ जाए तब तक उस सामान पे जो भी खर्चा करते हैं वही क्या हो जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर बहुत सारा खर्चा आता है, वो हम लिखवाएंगे आपको। और क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, आइए स्क्रीन को नीचे करें ताकि आपको सारा बात दिख सके। और आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। सर जरूरी है प्रॉफिट हो, हम बोले नहीं जरूरी कुछ नहीं है। ये क्या रिकॉर्ड करता है, क्रेडिट साइड, इनकम एंड गेन। तो अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट अधिक होगा और डेबिट साइड का अमाउंट कम होगा तो क्या निकलेगा आपको, प्रॉफिट, कि सर कमाए ज्यादा खर्चा कम हुआ तो हमको प्रॉफिट हुआ। वही अगर डेबिट साइड का पैसा ज्यादा हो और क्रेडिट साइड का पैसा कम हो तो आपको क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस। तो फिर यही प्रॉफिट ना लिख करके इधर क्या लिख देंगे, ग्रॉस लॉस। मेनली हम बैलेंस कर रहे हैं, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। अब ये जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है वहीं पे मेरा ट्रेडिंग अकाउंट खत्म, और इसके नीचे क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हुआ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड कर रहा होता है। हम बोले हां, जो ट्रेडिंग और पीएल आप बनाते हैं उसमें ट्रेडिंग का जो पार्ट है वो क्या रिकॉर्ड करता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। एक्सपेंसेस डेबिट साइड में और इनकम क्रेडिट साइड में। हम बोले हां सर एक बात बताइए, हम बोले पूछो, क्लोजिंग स्टॉक तो एसेट्स है, तो एक एसेट्स यहां पे क्यों आया। हम बोले हां, इसका जवाब आपको हम थोड़ा देर में देंगे कि भैया क्लोजिंग स्टॉक तो एक एसेट्स है, ये तो बैलेंस शीट का चीज है, आप उसको यहां पे क्यों लाए। हम बोले हां बात तुम्हारा बिल्कुल सही है, हम इसका जवाब आपको अभी देंगे और हम बताएंगे कि क्यों यहां पे आया और किस रूल से यहां पे आया। फिलहाल हम लोग फॉर्मेट को पूरा करें कि सर ट्रेडिंग ठीक है, इनकम क्रेडिट में, एक्सपेंस डेबिट में, कौन सा इनकम डायरेक्ट, कौन सा एक्सपेंस डायरेक्ट। हम बोले ओके। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो फायदा अभी हुआ है, ये फायदा अभी सिर्फ हम लोगों का गुड्स खरीदने से रिलेटेड और गुड्स को बेचने से रिलेटेड हुआ है कि सर सामान बेचे सामान खरीदे, लेकिन इस सामान को खरीदने के बाद भी कई खर्चे करते हैं, उन खर्चों को रिकॉर्ड कहां किया जाता है, पीएल के अंदर। तो हम लोग का जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसको हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएल में। ये ट्रांसफर हो क्या आया सर, अगर मान लो ग्रॉस लॉस होता तो आप तो यहां लिखते हैं बाय ग्रॉस लॉस। हम बोले हां, फिर वो ट्रांसफर होके यहां आ जाता। हम बोले बिल्कुल, वो ट्रांसफर होके यहां आ जाता। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर किए
तो जिस चीज को हम लोग ट्रांसफर करते हैं वो अपने अपोजिट साइड चला जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट से कहां चला गया, क्रेडिट में, तो ग्रॉस प्रॉफिट बंद हो गया। वही अगर ग्रॉस लॉस होता तो सर ये लॉस यहां पे आता बैलेंसिंग फिगर, तो वो कहां ट्रांसफर होता, डेबिट साइड में टू ग्रॉस लॉस। आई होप आप लॉस को डील कर लोगे। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और क्या आता है, इनडायरेक्ट इनकम। और फाइनली यहां से क्या मिल जाएगा आपको, नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। तो सर ट्रेडिंग पीएल दोनों के दोनों नॉमिनल अकाउंट है, हम बोले हां ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करता है, हम बोले बिल्कुल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करता है, हम बोले हां बिल्कुल। तो सर इससे क्या निकलता है, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और पीएल से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है। यहां तक का बात ठीक, पहले आप इस बात को रिकॉर्ड कीजिए कि हां हम यहां तक तो लिख लिए हैं सर। चलिए अगर हो गया हो तो स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर दे क्योंकि अब हमको इसका काम खत्म। इस साइड को हम रब कर रहे हैं क्योंकि जब हम यहां पे कुछ बातों को लिखे हैं उसको डिस्कस करेंगे तो बात करते चलेंगे उसका मतलब क्या निकलता है, पहले आप लिख लो। चलिए ये जो हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाए हैं जिसमें हम लोग ये सीखे कि सर डेबिट में एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में इनकम रिकॉर्ड होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है, पीएल अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करता है, हम बोले हां। अब इसी को ले कुछ डिस्कशन और कर ले हम लोग, जैसे ट्रेडिंग एंड पीएल इज नॉमिनल अकाउंट, ये तो क्लियर कट है कि हां सर नॉमिनल अकाउंट है तभी तो प्रॉफिट लॉस निकाल पाएगा। दूसरा बात लिखे हैं कि ट्रेडिंग पीएल जो हम लोग बनाते हैं वो अक्रूअल कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल के रूल से बनता है। सर अक्रूअल कॉन्सेप्ट ये क्या है, अक्रूअल कॉन्सेप्ट, हम बोले अक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो एक्सपेंसेस और इनकम आप रिकॉर्ड करेंगे वो अगर उस ईयर से रिलेटेड हो तभी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मतलब सर हम बोले मान लो हम ईयर खड़े हैं कहां पे, हम लोग का ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2021 और बंद कब होता है अकाउंटिंग ईयर एक साल बाद 31 मार्च 2022। तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है कि ये जो आपका अकाउंटिंग साइकिल है, ये जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है 12 मंथ का, आप ट्रेडिंग पीएल में सिर्फ इसी समय का, जो ये जो समय आपको 12 महीने का दिख रहा है, सिर्फ इसी समय का बातों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना इसके आगे का बात रिकॉर्ड होगा ना इसके पीछे का बात इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। जो 12 महीने का बात है बस वही रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना बीते हुए समय का बात अभी रिकॉर्ड होगा ना आने वाले समय का बात अभी रिकॉर्ड होगा। जैसे हम बोल रहे हैं इस साल में हम आने वाले साल का सैलरी दे दिए, तो क्योंकि हम आने वाले साल का सैलरी आज दे दिए हैं तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है ये खर्चा इस समय का नहीं है आने वाले समय का है, तो इस साल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं आप इसको। बात ठीक। दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, पिछले साल हम अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दिए थे, उस सैलरी को हम इस साल दे रहे हैं, तो ये सैलरी पिछले साल का था, इस साल अगर हम पेमेंट करेंगे तो खर्चा इस साल का नहीं है, वो पिछले ही साल का था। ना बीते हुए बात को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ना आने वाले बात को आप अभी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक बात। इसी को बोलते हैं अक्रूअल कॉन्सेप्ट कि सर ये अक्रूअल बेसिस पे बनता है, मतलब कोई खर्चा अगर इस साल का है चाहे आप उसका पेमेंट करो चाहे आप उसका पेमेंट मत करो, वो अगर इस साल का है तो इसी साल रिकॉर्ड होगा। जैसे
12 मंथ का ये साल है, हमको एक साल में 12 मंथ का सैलरी देना था, लेकिन हम अपने स्टाफ को सिर्फ 10 मंथ का ही सैलरी दे पाए, तो मेरा इस साल का खर्चा क्या, 10 महीने का या 12 महीने का? तो जवाब है 12 महीने का, क्योंकि अक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलेगा कि भाई तुम पैसा दिया है कि नहीं दिया है ये मैटर नहीं करता है, खर्चा तो हुआ है, सैलरी तो बना है उसका 12 महीने का, 10 का दे दिए हो, 2 का नहीं दिए हो, 2 के बाद में दे देना, लेकिन जब खर्चा दिखाने का बात आएगा तो वो खर्चा आप पूरे 12 मंथ का रिकॉर्ड कर रहे होंगे। मैचिंग प्रिंसिपल, हम बोले सर मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी इनकम आप रिकॉर्ड करते हैं उसके परपोर्शनेट का खर्चा भी आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। किसी इनकम को कमाने के लिए कुछ खर्चा तो हुआ होगा, ऐसा थोड़ी है कि बिना कुछ कमाए जा रहे हैं बिना कुछ खर्चा किए, कुछ ना कुछ तो खर्चा हो रहा है, तो उसका परपोर्शनेट आप खर्चा दिखाते हैं, इसी को बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। जैसे गुड्स बेचे, तो गुड्स अगर बेचे हैं तो गुड्स खरीद के भी तो लाए हैं, तो सर जो आप बेचे हैं उसका प्रपोर्शन, मान लो 10 पीस बेचे हैं, 10 पीस बेचे हैं 100-100 रुपया करके, तो हम जो 10 पीस को बेचे हैं वो 10 पीस खरीद के लाए होंगे, तो उसको मैच कराते हैं कि देखो 10 पीस जो बेचे हैं उसको खरीदने का खर्चा भी दिखा रहे हैं कि 10 पीस खरीद के लाए थे 80 रुपया में, ये है खर्चा, और 10 पीस किसमें बेच दिए हैं, 10 पीस बेच दिए हैं 100 रुपया में, तो मैच कराते हैं, इसी को बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। और जिस कारण से हम लोगों का क्या दिखता है, प्रॉफिट की, हां सर जो 10 पीस आप 100 में बेचे हैं वो है आपका इनकम, और जो 10 पीस आप 80 रुपए में खरीदे हैं ये आपका एक्सपेंस, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोगों का, प्रॉफिट, कि सर ये है हम लोगों का प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग पीएल जो है वो किस कॉन्सेप्ट पे बनता है, अक्रूअल कॉन्सेप्ट पे एंड मैचिंग प्रिंसिपल पे, कि सर मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो हो रहा होगा। आई होप ये दोनों बात क्लियर। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, एंटिटी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, बहुत सारे रूल्स हैं हम लोग के पास, ये सारा बात थ्योरिटिकल है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पहले आपको जाके थ्योरी का बात वीडियो बना हुआ है आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए क्या कहता है कौन सा कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़े, उसके बाद और बात करें, अक्रूअल हो गया, मैचिंग प्रिंसिपल भी हो गया। सर एक बात बताओ, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आप बोले ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है वैसा एक्सपेंसेस जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग में, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में या गुड्स को रेडी टू यूज के पोजीशन में लाने के लिए जो एक्सपेंस करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मान लो मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है तो हम कुछ बनाते तो है नहीं, हम रेडीमेड लाते हैं, जो सामान हम रेडीमेड ला रहे हैं क्या वो लाने में भी खर्चा होगा? क्योंकि मेरे दुकान में जब तक वो नहीं आएगा आप कैसे बेचिएगा? तो दुकान में जब वो आ जाएगा, जिस जगह पे लाना है जहां से वो रेडी हो जाएगा बिकने के लिए, वहां तक जो भी खर्चा करेंगे सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे हम बोले सर गुड्स जहां से मंगवा रहे हैं वहां से यहां तक आने में ट्रेन का भाड़ा लगेगा, तो फ्राइट, उसके बाद सर फिर वहां से ऑटो वाला दुकान लाके डालेगा, कैरेज लगा, उसके बाद सर क्योंकि जो गुड्स था वो काफी हेवी था तो हमको उसके लिए लेबर मंगवाना पड़ गया, तो सर उसको भी कुछ पैसा देना पड़ गया, तो ये सारे क्या हो जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन एक बार सामान मेरे पास आ गया उसके बाद भी खर्चा होता है, जैसे बेचने का खर्चा होता है, जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनको सैलरी देते हैं बेचने के लिए, कि भाई जो लड़के रखे हुए हैं, आप कपड़े दुकान जाते हैं आप देखते हो सर जैसे ही जाते हैं वहां पे जो लोग रहते हैं वो फटाफट कपड़ा दुकान शुरू कर देता है, तो वो कपड़े दिखाने वाला आदमी क्या कर रहा है? सर सेल्स का काम कर रहा है, वो बेचने का काम कर रहा है, तो वो सैलरी लेगा ना भाई। तो ये जो सैलरी हम लोग दे रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि गुड्स अपने जगह पर आ गया है, उसके बाद जो भी आप खर्चा कीजिएगा वो सारा खर्चा इनडायरेक्ट कहलाएगा। तो डायरेक्ट खर्चा और इनडायरेक्ट खर्चा का अंतर समझ रहे हैं, कि डायरेक्ट खर्चा वो खर्चा है जो कि गुड्स को रेडी टू यूज के पोजीशन में लाने के लिए करते हैं, वो है मेरा डायरेक्ट, और उसके बाद जो भी करते हैं खर्चा वो सारा क्या हो जाता है इनडायरेक्ट। तो हम आपका एग्जांपल लिख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कहां मिलेगा वो थ्योरिटी वाला पार्ट में सब लिखवाए हैं। एग्जांपल के तौर पे वेजेज,
कैरेज, कैरेज का कई सारा नाम है दोस्त, कैरेज इन वार्ड, इसी का नाम है कैरेज ऑन परचेज, खरीदने के समय जो कैरेज लगा। और बोलिए सर, फ्राइट, फ्राइट का भी नाम है फ्राइट इन वार्ड। और बोलिए सर, इसी का नाम है फ्राइट ऑन परचेज, मैन्युफैक्चरिंग खर्चा। फैक्ट्री एक्सपेंस, उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, कस्टम, ये सब कुछ नाम है जो हम आपको लिखवाए हैं किस चीज का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। तो सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, हम बोले इनको छोड़ के जो बचेगा वो सब इनडायरेक्ट है। ये क्या है, अदर देन डायरेक्ट। हम आपको डायरेक्ट का नाम लिखवा दिए, तो सर डायरेक्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी खर्चे होंगे वो सब क्या होंगे, इनडायरेक्ट होंगे, सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, वो सब क्या होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। बात ठीक। सर इनडायरेक्ट इनकम का भी कुछ नाम बता दो, हम बोले भाई डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बैड डेट रिकवरी, या फिर और भी कमीशन रिसीव्ड, तो ये सब भी कुछ नाम है। अप्रेंटिस प्रीमियम, वो भी क्या है सर, इनडायरेक्ट इनकम है। अप्रेंटिस प्रीमियम क्या है, इनडायरेक्ट इनकम। चलिए अब आपका हम उस सवाल का जवाब दें कि सर क्लोजिंग स्टॉक तो एक एसेट्स है, वो भला ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर रहा है। हम बोले आइए बताते हैं। डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ क्लोजिंग स्टॉक क्यों ट्रेडिंग में आपको दिखता है। हम बोले हां बात तो बहुत सही है। हम बोले गुड्स हम परचेज किए हैं, ध्यान दीजिएगा, 100 यूनिट्स, और हर एक यूनिट कितना में खरीदे हैं, 80 रुपीज में। सेल कर दिए 80 यूनिट्स 100 रुपया करके, और हम आपसे पूछे कि बताओ प्रॉफिट कितना, तो इसका प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। एक तो हो सकता है सर मैथमेटिकली बता देंगे कितना प्रॉफिट, तो हम बोले मैथमेटिकली बात करो मैथ के हिसाब से कि सर मैथ का रूल लगाते हैं उससे बनाते हैं, क्योंकि मैथ में तो कोई फॉर्मेट होता नहीं है लेकिन अकाउंट्स का तो फॉर्मेटिंग है अपना। हम बोले सर देखिए आप सामान को बेचे तो आपको तो हुआ इनकम, हम बोले हां इनकम तो हुआ, कितना सेल किए हैं, हम बोले 80 पीस, एक पीस 100 रुपया का, तो सर आपको 8000 रुपया का इनकम हुआ, हम बोले हां। सर आप कुछ खर्चा भी किए होंगे, हम बोले बिल्कुल खर्चा किए हैं, इस सामान को खरीद के लाए हैं। सर 100 पीस खरीदे, हम बोले हां, 80 रुपया करके, तो सर 8000,
सर आपको ना फायदा है ना नुकसान है। हम बोले फिर बिजनेस कर ही क्यों रहे, अगर ना फायदा कमाना है ना नुकसान कमाना है तो फिर बढ़िया है घर में बैठिए आराम से। हम बोले दोस्त मैथमेटिकली कुछ गलती है, हम सामान कितना बेचे हैं 80 पीस, तो जिस सामान को बेचे हैं उसी सामान को खरीदते तो कितना रुपया लगता। हम बोले सर बेचे हैं 80 पीस तो आपको खर्चा भी सिर्फ 80 पीस का लेना चाहिए, 100 पीस का थोड़ी ले लेंगे, तो हम 80 पीस का लिए तो 80 पीस का कितना आएगा। हम बोले सर 6400। ओ प्रॉफिट तो ये रहा, आ गया प्रॉफिट 1600 रुपया का प्रॉफिट। अच्छा मैथमेटिकली ये बहुत आराम से है कि सर बेचे 80 पीस, अगर हम सामान 100 लाए बेचे हैं 80 तो फायदा तो 80 में देखेंगे ना, 100 में थोड़ी देखेंगे, 20 पीस तो बचा रहेगा, जब उस 20 को बेचेंगे उसका फायदा उस समय देखेंगे। तो सर 80 और खरीद भी कितना दिखाएंगे 80। जब अकाउंट्स में बनाते हैं तो अब देखते हैं कि सर इसका अकाउंटिंग इफेक्ट में अगर बनाते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बना के प्रॉफिट निकालते तो क्या ये प्रॉफिट आता। हम बोले आओ चेक कर लेते हैं। हम बोले क्या बनाते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट। हम बोलते सर आप यहां लिखते ओपनिंग स्टॉक, नहीं है भाई अभी अभी दुकान ही खोले, मेरे पास पुराना कोई सामान है नहीं। फिर आप यहां लिखते परचेज, हाँ ये तो लिखते ही लिखते हैं। 100 पीस खरीदे 80 रुपया करके तो सर 8000 बेच दिए, बाय सेल्स। कितना पीस बेचे, 80 पीस बेचे 100 रुपया करके 8000। अकाउंट्स में जब ऐसे बनाते हैं तो सर आप यहां पर परचेज 100 पीस का क्यों दिखाएं, 80 पीस का दिखाइए। हम बोले नहीं दोस्त, जब अकाउंट्स बनाते हैं तो हम लोग खर्चा दिखाते हैं कि देखो भाई इतना खर्चा किए इतना इनकम हुआ, लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए, करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए और मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो कराने के लिए, मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो रेवेन्यू आपको जनरेट होता है उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्चा हुआ था उसी को आप रिकॉर्ड कीजिएगा। एक बात सोचो, जो इनकम जो रेवेन्यू हमको जनरेट हुआ है वो कितने पीस पे हुआ है, 80 पीस पे। तो सर अगर आपको ये रेवेन्यू 80 पीस का है तो आपको खर्चा भी कितना पे दिखाना चाहिए था, 80 पीस पे, लेकिन हम तो अपना पूरा 100 पीस दिखा रहे हैं कि खरीद के 100 ही पीस लाए थे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 20 पीस कैंसिल कर रहे हैं और बोल रहे हैं सर ये बच गया, ये आपका एसेट्स है, ये खर्चा नहीं है। अभी कितना पीस बच गया, 20 यूनिट, किस रेट से, 80 के रेट से 1600 रुपीज। तो अब आप जवाब क्या बोल सकते हैं कि सर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में ड्यू टू मैचिंग प्रिंसिपल्स आता है, कि सर मैचिंग प्रिंसिपल के कारण क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग में। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक यहां पे नहीं लिखिएगा तो फिर सर आपका मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से जो रेवेन्यू आप लिखे हैं 80 पीस का उसका खर्चा 100 पीस का लिखा हुआ है, और मैचिंग प्रिंसिपल तो बोलता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो खर्चा हुआ है सिर्फ वो लिखा जाएगा। तो रेवेन्यू जनरेट 80 पीस से हुआ है तो खर्चा भी कितना पे लिखना चाहिए था, 80 पीस पे। तो सर जो 20 पीस का एक्स्ट्रा आ गया है उसके लिए क्या लिख दिए, क्लोजिंग स्टॉक, और फिर ये कहां चला जाता था, एसेट साइड। और अब आप देखो आपका ग्रॉस प्रॉफिट वही आएगा कि हां सर ग्रॉस प्रॉफिट तो वही आएगा 1600 रुपया। चलिए इतना काफी है ये जानने के लिए कि सर क्लोजिंग स्टॉक ड्यू टू मैचिंग प्रिंसिपल ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है, अदरवाइज वो क्या है, एसेट्स ही है, और फिर वो बैलेंस शीट में एसेट्स में नजर भी आ जाता है। तो ये हुआ हम लोग का पॉइंट नंबर 2 भी खत्म। तीसरा बात करते हैं सर ग्रॉस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला भी है। हम बोले क्या, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का एक नाम है दोस्त, क्या नाम है सेल्स रिटर्न का, सर सेल्स रिटर्न को
हम लोग रिटर्न इन वार्ड भी बोल सकते हैं। हां, रिटर्न इन वार्ड। तो कभी आपको रिटर्न इन वार्ड दिखे तो मतलब सेल्स रिटर्न है। और सर परचेज रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न को हम लोग बोलते हैं रिटर्न आउट वर्ड। हम बोले हां, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इन वर्ड, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउट वर्ड। हम बोले गुड। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखे? नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कि सर अगर आप नेट सेल में से, नेट सेल कैसे निकलता है? सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद जो आता है वो है नेट सेल। उसमें से क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस, अब तो आप समझ गए हैं, हम नाम भी लिखवा दिए हैं। तो सर ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेज जोड़ेंगे, नेट परचेज कैसे निकलता है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न, उसको बोलते हैं नेट परचेज, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या मिल जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कि सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वहां से मिल जाता है। तो इसी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को यहां लिखते हैं और माइनस करते हैं नेट सेल, तो क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस बात को समझिएगा कि सर यहां पे जो ट्रेडिंग बनाए हैं हम लोग यहां से भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देख सकते हैं। हम बोले हां, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, क्या निकलता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दे तो फिर आपको ओपनिंग, परचेज, डायरेक्ट और क्लोजिंग, ये चारों चीज लिखने का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहां क्या लिख देना है? टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्योंकि जैसे ही आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखेंगे ये चारों का चारों आइटम तो उसके अंदर ही आता है। तो जब हम वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखे तो इनडायरेक्टली आप सोचो कि सर आप चारों चीज तो लिख ही दिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ये चारों चीज आता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या? जिस सामान को बेचे हैं उसका मेरे लिए कॉस्ट कितना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है कि सर जिस सामान को आप बेच रहे हैं या बेच चुके हैं उसका कॉस्ट मेरे लिए कितना है, बिजनेस के लिए कॉस्ट कितना है। तो सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर कभी क्वेश्चन में दिया रहे, डायरेक्ट दिया हुआ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो अगर हम लोग यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख देंगे तो फिर क्या हमको ओपनिंग, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग लिखने की जरूरत है? जवाब है नहीं। फिर आपको ओपनिंग, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग लिखने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर ये चारों चीज आता है। जो चार चीज आप अलग अलग लिखते थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उन चारों चीजों को लिख चुका है। तो जब वो चार चीज आप लिख चुके हैं और यहां पे आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख दीजिएगा तो वो चार चीज दोबारा लिखने से डबल एंट्री हो जाएगा। एक ही चीज को आप दो दो बार लिख रहे हैं, बात ठीक? तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हो तो आप यहां क्या लिखेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और यहां पर क्या आएगा? सेल्स। अपने आप क्या निकल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला लिख लिए हम लोग, आगे बढ़े। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट रिकॉर्ड रेवेन्यू आइटम एंड नॉट कैपिटल आइटम। ट्रेडिंग पेल क्या रिकॉर्ड करता है? रेवेन्यू आइटम। क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है तो ये सिर्फ खर्चा और इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन ही रिकॉर्ड करेगा। ये कोई एसेट्स या कोई लाइबिलिटी कभी रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसलिए हम लिखे कि जो रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, जो खर्चे और इनकम के नेचर के होते हैं, बस वही रिकॉर्ड होता है। जो कैपिटल आइटम होते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज नेचर के, वो कभी भी ट्रेडिंग पेल के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर सिक्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन आर क्लोज एट द ईयर एंड बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं उन सभी एक्सपेंसेस और इनकम को हम लोग क्लोज कर देते हैं ईयर एंड में। सर क्यों क्लोज कर देते हैं? क्योंकि एक्सपेंसेस और जो इनकम होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। रेवेन्यू नेचर का मतलब जिसका बेनिफिट खत्म हो जाता है विद इन एक वन अकाउंटिंग पीरियड। जिस जो खर्चा है उसका बेनिफिट खत्म, जैसे सैलरी, हम बोले सर मेरे यहां स्टाफ काम करता है, हम सैलरी देते हैं, उसका बेनिफिट खत्म, हमको अगर फर्दर बेनिफिट लेना है तो फर्दर पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसा आइटम जिसका बेनिफिट
विद इन अकाउंटिंग पीरियड ओवर हो जाता है वो रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, तो जब उसका बेनिफिट ही खत्म हो गया है तो वो आगे कैरी नहीं करता है, हम लोग उसको बंद कर देते हैं क्लोजिंग एंट्री में कि सर आप उसको ट्रांसफर कर दीजिएगा। देखिए जैसे हम लोग सैलरी पे करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हम बोले हां। जब हम लोग सैलरी पे करते हैं जब हम लोग सैलरी का पेमेंट करते हैं सैलरी पेड ₹10,000, जब हम लोग सैलरी पे करते हैं 10,000 का तो एंट्री क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जो हम एंट्री करते हैं तो ये है ओपनिंग एंट्री, और जब ईयर का एंड होता है तो सर ये जो सैलरी है ये खर्चा है एक्सपेंस है, इसका बेनिफिट खत्म, तो फिर इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं कहां पे, ट्रांसफर करके। हम बोले सर ये तो डिपेंड करेगा कि ये एक्सपेंस किस नेचर का है, डायरेक्ट नेचर का या इनडायरेक्ट नेचर का, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट हुआ तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा और अगर ये इनडायरेक्ट हुआ तो पीएल में ट्रांसफर होगा। तो सैलरी तो इनडायरेक्ट है तो ये कहां ट्रांसफर हो जाता है, पीएल अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ये क्या है, हम बोले क्लोजिंग एंट्री। सेम बात है परचेज के लिए, जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर वो परचेज कहां ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि परचेज डायरेक्ट नेचर का है तो सर वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होता है। तो अगला एंट्री क्लोजिंग करने का क्या लिखेंगे, ओपनिंग एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्लोजिंग करने का एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होता है तो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। बात समझ रहे आप मेरा, तो जो भी इनकम और एक्सपेंस होते हैं वो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में टू क्लोज दी अकाउंट। जो एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट है वो ईयर एंड में क्लोज हो जाता है ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर करके। अब डिपेंड करता है कि वो खर्चा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट होगा तो सर ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा और अगर इनडायरेक्ट होगा तो पीएल में ट्रांसफर होगा। बात ठीक, इसी बात को यहां पे हम लिखे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट। हम लोग जानते हैं कि सर ट्रेडिंग अकाउंट तो डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है, डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करता है, तो जो भी डायरेक्ट नेचर का इनकम एक्सपेंस होगा वो ट्रेडिंग से में ट्रांसफर होकर क्लोज किया जाएगा, और जो इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो कैसे क्लोज किए जाएंगे, वो पीएल में ट्रांसफर करके क्लोज किए जाएंगे। और आप ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री के बारे में समझ रहे होंगे कि हां सर ओपनिंग एंट्री तो सभी का होता है लेकिन क्लोजिंग एंट्री किसका होता है, क्लोजिंग एंट्री सिर्फ नॉमिनल अकाउंट का होता है, मतलब जो एक्सपेंसेस और इनकम और गेन होते हैं सिर्फ उनका क्लोजिंग एंट्री होता है। बात ठीक, आगे पढ़िए, स्टॉक जो हम लोग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं वो हमेशा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर उसके हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। ये बात कहां लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू में, AS2 बोलता है कि जो भी स्टॉक होता है जिसको हम लोग इन्वेंट्री भी बोलते हैं वो हमेशा जो उसका कॉस्ट है या जो उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू एनआरवी, सर ये क्या होता है, अरे भैया बिकने की कीमत, इन दोनों में जो कम होगा उसी में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे हम एक सामान खरीद के लाए ₹100 का, तो मेरे लिए कॉस्ट कितना है ₹100, और ईयर के एंड होते होते हमको लग रहा है कि भाई ये सामान 120 में बिकेगा, तो ये है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट है 100, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 120, तो हम अपने स्टॉक को किसमें दिखलाएंगे, कॉस्ट में, क्योंकि लोअर कौन है, कॉस्ट। लेकिन ₹100 का कॉस्ट है और उस चीज का दाम अब मार्केट में घट गया है, अब बेचने जाएंगे तो ₹80 से बेसी नहीं मिलेगा, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो गया सर, ₹80। तो दोनों में कम कौन है, कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, हम बोले सर एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो ₹80 है वो कम है, तो स्टॉक को किसमें दिखाया जाएगा, एनआरवी के अंदर। तो आपके दिमाग में डालना ये चाह रहे हैं कि सर कॉस्ट और एनआरवी इन दोनों में जो लोअर रहता है स्टॉक हमेशा उसी पे शो किया जाता है। हम बोले ओके,
आगे बढ़िए। ट्रायल बैलेंस आइटम आर रिकॉर्डेड ओनली वंस। जब हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे तो जाहिर सा बात है क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन हमेशा दो पार्ट में दिया रहेगा, एक पार्ट होगा ट्रायल बैलेंस और दूसरा पार्ट होगा नीचे का इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा वो वहां पे दिया हुआ आइटम सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड होता है, या तो ट्रेडिंग में या तो बैलेंस शीट में या तो पीएल में, सिर्फ एक बार। ट्रायल बैलेंस के अंदर जितना सारा आइटम दिया रहेगा वो सिर्फ एक ही बार कहीं रिकॉर्ड होगा, या तो ट्रेडिंग में या तो पीएल में या बैलेंस शीट में, क्योंकि फाइनल अकाउंट में तो मेनली क्या बनाना होता है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। तो हम बोले सर अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो यही तीन बनाएगा और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा तो चार चीज बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। मुद्दा यह है कि सर जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो दो पार्ट में हमेशा दिया रहेगा, एक पार्ट क्या होगा ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन एक ट्रायल बैलेंस दे देगा, और दूसरा क्या दिया रहेगा नीचे में एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन के रूप में। तो जो ट्रायल बैलेंस का आइटम रहेगा वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, कहां पे, या तो ट्रेडिंग में या तो पीएल में या तो बैलेंस शीट में। सर ऐसा क्यों, एक ही बार क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि भैया हम लोग का ट्रायल बैलेंस जो बनता है वो बनता है ओपनिंग एंट्री से, और जो फाइनल अकाउंट बनता है सर वो बनता है क्लोजिंग एंट्री से। तो अगर ओपनिंग एंट्री हो गया है तो क्लोजिंग तो एक ही बार होना है, तो जो आपको ट्रायल बैलेंस दिखता है उसमें रखा हुआ आइटम क्लोज कर रहे हैं कि हाँ ट्रांसफर करके क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको क्या बोले हैं कि सर एक्सपेंसेस और इनकम को क्लोज किया जाता है कहां पे, ट्रेडिंग और पीएल में। तो ट्रायल बैलेंस जो आप देख रहे होते हैं वहां पे जो आइटम है उसको क्लोज करना है, उसका ओपनिंग एंट्री करेक्ट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन जो नीचे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा जिसको हम बोलते हैं सर ये एडजस्टमेंट है। ध्यान रखिएगा एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट दो बार होता है, क्यों, क्योंकि उसका एंट्री करना भूल गए हैं, उसको अभी रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं। जब हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं तो रिकॉर्ड करने से क्या होगा, तो सर रिकॉर्ड करिएगा नीचे में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको पहले रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड कहां होता है, जर्नल में। तो जब रिकॉर्ड करते हैं तो एक डेबिट आता है, एक क्रेडिट आता है, तो नीचे में जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसका ट्रीटमेंट हमेशा दो बार होगा, एक बार डेबिट साइड में एक बार क्रेडिट साइड में। अब ये दो बार ट्रीटमेंट हो सकता है, एक बार ट्रेडिंग में हो दूसरा बार बैलेंस शीट में हो, या फिर एक बार ट्रेडिंग में हो दूसरा बार पीएल में हो, या फिर एक बार पीएल में हो दूसरा बार बैलेंस शीट में हो, होना पक्का दो बार है। और जब दो बार ट्रीटमेंट होगा तो आप देखोगे कि एक बार डेबिट में हुआ है और एक बार क्रेडिट में हुआ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि नीचे का इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट सिर्फ एक बार हो। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस होता है वो रिकॉर्ड कर चुका है चीजों को, बस क्लोज कर रहा है, इसलिए एक बार उसका ट्रीटमेंट। लेकिन जो हम लोगों का इंफॉर्मेशन होता है उसका ट्रीटमेंट दो बार होगा। क्यों दो बार होगा, क्योंकि सर इंफॉर्मेशन में जो चीजें बताई जाती हैं वो मेनली ओमिशन है, वो आपसे छूट गया है। तो अगर कोई चीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने से छूट गया है तो सीएमए साहब आप आगे चल के सीएमए बनिएगा, आप बड़ी बड़ी कंपनियों संभालिएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो कैसे रिकॉर्ड कीजिएगा। आप यही ना बोलिएगा कि सर जर्नल एंट्री कर लीजिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले जर्नल कर लीजिए। तो जब हम जर्नल करते हैं तो एक डेबिट और एक क्रेडिट मिल जाता है, तो जब एक डेबिट और एक क्रेडिट मिलेगा तो डेबिट में भी रिकॉर्ड होगा और क्रेडिट में भी रिकॉर्ड होगा। तो नीचे का जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा दो बार इंपैक्ट करता है। अब वो दो बार कहीं भी हो सकता है, ट्रेडिंग में, पीएल में, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में, पीएल और बैलेंस शीट में, या बैलेंस शीट में, दो बार पक्का इफेक्ट करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम आपके दिमाग में क्या डाले कि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ आइटम फाइनल अकाउंट बनाने के समय सिर्फ एक बार आता है। फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनता है, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, तो वो किसी भी एक जगह ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ट्रेडिंग में भी आ गया और पीएल में भी आ गया, या ट्रेडिंग में भी आ गया और बैलेंस शीट में आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक बार आएगा। लेकिन जो हम लोगों का
एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस के नीचे, उसका रिकॉर्डिंग दो बार होगा। क्यों दो बार होगा? क्योंकि सर वो इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब ही है कि उन चीजों का अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इफेक्ट लिया ही नहीं गया है। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है तो रिकॉर्ड करेंगे, और जैसे ही रिकॉर्ड करेंगे हम बोलेंगे सर रिकॉर्ड करने में तो एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा, तो इसका इफेक्ट भी कितना बार पड़ना चाहिए? दो बार, एक डेबिट में और एक बार क्रेडिट में। तो हो सकता है वो इफेक्ट एक बार ट्रेडिंग हो, एक बार बैलेंस शीट हो, या फिर एक बार ट्रेडिंग हो, एक बार पीएल हो, या फिर एक बार पीएल हो, एक बार बैलेंस शीट हो, कहीं भी दो बार इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। बात ठीक, ये हुआ उसका बात। इसके अलावा एक बड़ा ही सिंपल सा ही बात है, क्लोजिंग स्टॉक इन जर्नल, अगर आप हमसे पूछिएगा तो इन जर्नल क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलता है, क्योंकि सर क्लोजिंग स्टॉक तो तब निकलता है जब सब कुछ बन जाता है, तब पता चलता है इतना सामान बच गया। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कहां मिलना चाहिए? इंफॉर्मेशन में। लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आता है, और क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आ गया है तो वो सिर्फ कहां जाएगा? एसेट साइड में, उसका ट्रेडिंग से फिर कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक इंफॉर्मेशन में रहा तब तो दो बार कहां कहां? हम बोले सर एक बार तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा बार बैलेंस शीट के एसेट्स में। हालांकि जब हम बनाएंगे तो हम इनिशियली आपको हर एडजस्टमेंट का एंट्री करके दिखलाएंगे और हम आप ही से पूछेंगे कि बताओ इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा और कैसे पड़ेगा। ठीक है बात। हम आपको फाइनल अकाउंट में कभी भी एडजस्टमेंट रटवाएंगे नहीं कि ये प्लस होगा ये माइनस होगा, कुछ नहीं, ऐसा हम कुछ करना ही नहीं चाहते। हम तो बोलेंगे बस लॉजिक के साथ चलेंगे कि सर एडजस्टमेंट का आइटम जो रहेगा उसका एंट्री करिए, और एंट्री करने के बाद डिस्कस करेंगे हम और आप कि इस एंट्री का इफेक्ट आप कहां दिखाना चाहते हैं और किस तरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं। यहां तक का बात ठीक? इस बात को आप लिखेंगे। आइए एक टॉपिक को डिस्कस करें, ये टॉपिक यहां भी और भी कई चैप्टर में आपको हेल्प करेगा। रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल। आप कई बार कंफ्यूज करते हैं इस बात को लेके, हम देखे भी हैं। हम कुछ लिख रहे हैं, अभी आप लिखो 100% अगर प्रॉफिट कॉस्ट पे बोले तो वो हमेशा बराबर होता है 50% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस। इसको आप इनवॉइस प्राइस के साथ भी रिलेट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि कॉस्ट पे प्रॉफिट है 50% का तो सेल्स पे वो कितना परसेंट के बराबर होगा? ऑन सेल होगा। हम बोले अच्छा, अगर क्वेश्चन बोले कि प्रॉफिट 33/3% ऑन कॉस्ट है तो सेल्स पे कितना प्रॉफिट के बराबर होगा? कॉस्ट का प्रॉफिट 25%। ये दोनों सेम बात है, दोनों का प्रॉफिट सेम है। सर अगर क्वेश्चन बोले 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो सेल पे कितना होगा? 20%। कंसाइनमेंट चैप्टर में यही सेल्स की जगह हम इनवॉइस प्राइस बोलना शुरू कर देंगे कि सर इनवॉइस प्राइस पे। सर मान लीजिए अगर प्रॉफिट 20% रहा कॉस्ट पे तो सेल पे कितना? 16/3 प्रॉफिट ऑन सेल। सर क्या ये याद करना पड़ेगा? हम बोले नहीं, याद वाद नहीं करना, हम तो बस लिख रहे हैं। कई बार ये फिगर तो आपको शायद याद भी होगा ये, क्योंकि हम लोग इससे पहले भी कुछ और क्लासे पढ़े हैं। याद आपको नहीं करना है, ये बस हम लिखे इसलिए हैं क्योंकि ये वाला बात हम लोग बहुत बार जानते भी हैं और कई लोगों को पता भी होगा कि हाँ सर ऐसे ही होता है। डिस्कशन ये है कि सर अगर मान लीजिए
कुछ और फिगर हो तब कैसे निकालते हैं, हम इसको प्रूफ भी करेंगे, फिलहाल आप वो देखिए। हम बोले सर अगर x परसेंटेज ऑन कॉस्ट रहे तो सेल कैसे निकलता है, हम बोले सर x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x, ये जो परसेंटेज है उसको लिख दीजिए तो ये निकल जाएगा ऑन सेल। प्रॉफिट अगर कॉस्ट का परसेंटेज कुछ दे दिया, ये सब ना दे कुछ भी दे दिया, ये भी देगा तब भी निकलेगा, तो वो कितना आएगा, एक और देखो सर अगर मान लो रिवर्स, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है वाई ऑन सेल तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सेल पे दिया हुआ है कि वाई परसेंटेज का प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट पे कितने के बराबर होगा, वो बोले सेम ऐसे ही निकालेंगे बस माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा कॉस्ट पे प्रॉफिट, दोनों सेम आएगा। आओ चेक कराए कि सर ये फॉर्मूला काम करता है, बोले ये सब पे काम करता है। लिखा है 100% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और यहां आंसर क्या लिखे हैं, सेल्स का 50% के बराबर होता है। हम बोले सर इस फॉर्मूला से बनाते हैं तो x परसेंटेज अगर कॉस्ट पे होगा तो सेल पे कैसे निकालेंगे, x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x, तो x की जगह क्या लिखेंगे 100, और नीचे में क्या है 100 प्लस x, x की जगह कितना लिखेंगे 100, तो सर ये तो आएगा 100 बाय 200, सर ये तो 1 बाय 2 आया, यहां तो 50% है। अरे गुरुदेव ये 1/2 है, ये परसेंटेज है, किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो क्या 50% नहीं आया। तो ये जो फॉर्मूला हम दिए हैं इससे आप किसी भी तरह का कॉस्ट पे अगर परसेंटेज बोले तो आप सेल्स का प्रॉफिट का परसेंटेज बता दीजिएगा, और अगर क्वेश्चन सेल्स का परसेंटेज बताए तो आप कॉस्ट का परसेंटेज बता दीजिए। आप बात समझते हैं, तो ये दो फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी तरह का परसेंटेज वाला सवाल जो सेल पे हो तो कॉस्ट पे निकाला जा सकता है, और कॉस्ट बताए तो सेल पे उसका प्रॉफिट का परसेंटेज बताया जा सकता है। बात ठीक, ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि इससे रिलेटेड कभी ऐसा भी होगा, आप देखोगे कि सर क्वेश्चन में लिखा हुआ था 25% ऑन कॉस्ट और फिर हम यहां पे लिख दिए 20% ऑन सेल, दोनों सेम बात है, 25% कॉस्ट में जो प्रॉफिट आएगा सेल का 20% भी वही प्रॉफिट आएगा। इस चीज को सर प्रूफ करके दिखलाइए, हम बोले आओ दिखाएं, ध्यान देना। मान लेते हैं किसी चीज का कॉस्ट है 100 रुपया, 100 रुपीज, और हम इसको सेल कर दिए 125 रुपये, तो हम आपसे पूछ रहे बताओ प्रॉफिट कितना, तो आप क्या बोलिएगा, सर प्रॉफिट 25 रुपये का। ये जो प्रॉफिट है ये नंबर में है कि सर आप रुपया में बता रहे हैं, परसेंटेज वाइज बताइए कि प्रॉफिट कितना परसेंट का हमको हुआ है, तो सवाल उठ गया कि सर ये जो 25 रुपये का प्रॉफिट है आप कॉस्ट पे बताना चाहते हैं या सेल पे, हम बोले आओ प्रॉफिट निकालते हैं कॉस्ट पे, तो कैसे निकालोगे, तुम बोलोगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट पे निकालना है और मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से, तो सर प्रॉफिट है 25, कॉस्ट है 100, 25%। लेकिन अगर हम इसी को सेल पे निकाले तो कि सर आप सेल पे बताइए कितना परसेंट है, तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट क्योंकि सेल पे निकालना है तो डिवाइड किससे होगा, सेल पे, तो सर प्रॉफिट है 25, सेल है 125, 10 to 100, सॉल्व करो कितना आया 20%, तो सर सेल का 20% अगर हम निकाले तब भी 25 रुपया, और कॉस्ट का हम 25% निकाले तब भी 25 रुपया, तो हम बोल सकते हैं ना कि सर कॉस्ट का 25% से जो प्रॉफिट निकलेगा
सेल्स का वही प्रॉफिट 20% से निकलेगा, इसीलिए दोनों क्या हो गया इक्वल। कि सर आप परसेंटेज वाइज इक्वल मत देखो, अमाउंट में इक्वल आएगा। अगर किसी चीज का कॉस्ट है 100 रुपया और हम बोलेंगे कि भाई कॉस्ट पे तुमको 25% का प्रॉफिट होगा, तो 100 रुपया का 25% 25 रुपया, तो हम बोल रहे हैं सर ये जो 25 रुपया आप कॉस्ट पे प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके लाए हैं 25% का मल्टीप्लाई करके, ये सेम होता है सेल पे। आप अगर 20% निकालिएगा तो सेम प्रॉफिट आएगा। सेल कितने का है 125 रुपया का, 125 रुपया का 20% 25 रुपया। तो क्या कॉस्ट का 25% से जो प्रॉफिट आया सेल का वही 20% से प्रॉफिट आया? हम बोले हां, इसीलिए तो लिखा गया कि कॉस्ट पे अगर प्रॉफिट 25% हो तो सेल पे वो कितना होगा 20%, और ये सभी इक्वल है। और इसको निकालने का एक शॉर्टकट दे दिए कि सर अगर कभी आपको याद ना आए तो आपको ये दोनों याद हमेशा रखना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट अगर दिया रहे तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज अगर सेल्स पे दिया रहे तो कॉस्ट पे भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट का दिया तो सेल्स पे कैसे निकालेंगे? जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100 प्लस वो वाला परसेंट। और अगर सेल दिया हुआ है कि सर प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स पे दिया हुआ है तो कॉस्ट पे कैसे निकलेगा? जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो लिखेंगे डिवाइड करेंगे 100 माइनस वो परसेंटेज, कि सर वो परसेंटेज को माइनस कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। बात समझ गए? तो ये हुआ हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे चैप्टर में आपका हेल्प करेगा। लिखिए इस बात को। चलिए हम लोग अपना स्टडी मैट खोल लेंगे। स्टडी मैट में सबसे पहला इल्यूस्ट्रेशन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि सर जो बात हम लोग सीखे हैं उससे ये बनेगा या नहीं। हम लोग बहुत ही स्लोली बनाएंगे ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जो बात हम लोग कहे हैं कि ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आता है और इंफॉर्मेशन का आइटम कितना बार आएगा? 2 बार उसका ट्रीटमेंट होके रहेगा। तो जो एडजस्टमेंट का बात है सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को उसी के साथ है कि भाई एडजस्टमेंट फंसा लेता है। वो इसलिए फंसा लेता है क्योंकि आप रट लेते हैं कि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। हम बोल रहे हैं रटने कोई बात ही नहीं है, एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे, उसका एंट्री सोचेंगे और फिर बात करेंगे। चलिए आपके साथ बात करें। सबसे पहले लिखा है फॉलोइंग आर दी लेजर बैलेंसेज प्रेजेंटेड बाय एमएसपी सेन एज ऑन 31 मार्च 2015। सर ओनर का नाम क्या है? पी सेन। और कब का लेजर का बैलेंस दिया हुआ है? 31 मार्च 2015। सर आप तो बोले थे कि ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, ये तो लेजर का बैलेंस है। सीएमए साहब ट्रायल बैलेंस लेजर से ही तो बनता है, जो लेजर का बैलेंस बचता है वही तो जाता है ट्रायल बैलेंस में। तो वो इनडायरेक्ट वे में आपको बता रहा है कि ट्रायल बैलेंस है। लिखा है स्टॉक 1 अप्रैल 14, ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक। कैसे पता चला? 2015 का ईयर में 14 का बात कर रहा है तो सर ये ओपनिंग ही होगा, एक साल पीछे का बात। परचेजेज कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्राइट डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स सर इनकम डायरेक्ट इनकम, रिटर्न इनवर्ड ये क्या है? सर सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड ये क्या है? सर परचेज रिटर्न। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। सर आप लिखवाए नहीं थे, अब लिख लीजिए रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पे रॉयल्टी दे रहे हैं तो ये डायरेक्टली मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड रखा हुआ है, इसीलिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। गैस एंड फ्यूल सर ये भी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। लिख लीजिएगा गैस वाटर फ्यूल ये सब क्या है हम लोगों का? डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये तो ट्रेडिंग का, ये तो ट्रायल बैलेंस का बात हो गया। ये आइटम कितना बार रिकॉर्ड होगा? सिर्फ एक बार। अब नीचे में देखो लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन। नंबर वन, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2015, मार्केट प्राइस 24, कॉस्ट प्राइस 20। क्या हम आपको सिखाए हैं कि जो स्टॉक होता है वो कॉस्ट और एनआरवी मतलब जो मार्केट प्राइस है उन दोनों का लोअर लिया जाता है। तो हम लोगों के लिए काम का कौन सा है? 20,000। क्या इसका ट्रीटमेंट 2 बार होगा? जी हां, इसका ट्रीटमेंट 2 बार होगा क्योंकि इंफॉर्मेशन में। नंबर टू, स्टॉक वैल्यू 10,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर,
एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 6,000। बोल रहा है 10,000 का सामान जल के बर्बाद हो गया जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 6,000 का क्लेम देगा, तो सर इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? हम बोले हमको नहीं पता, लेकिन दो बार पक्का होगा। तीसरा, गुड्स परचेज 6,000 ऑन 29th March 2015 बट स्टिल लाइंग इन ट्रांजिट नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। बोल रहा है 6,000 का गुड्स हम परचेज किए हैं जो कि अभी भी रास्ते में है और उसका अभी तक रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ है। गुड्स टेकन फॉर प्रोपराइटर फॉर हिज ओन यूज रुपीज 3,000। गुड्स जो है प्रोपराइटर अपने यूज के लिए लिया है 3,000 का, इसका क्या होगा हमको नहीं पता। फिफ्थ नंबर, आउटस्टैंडिंग वेजेस 4,000 और सिक्स नंबर, फ्राइड पेड इन एडवांस 1,000। हम सिर्फ क्वेश्चन को पढ़े हैं और हमको नीचे का एडजस्टमेंट का हम बस इतना सा बात आपको सिखाए हैं कि जो नीचे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका ट्रीटमेंट दो बार होगा और जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक बार होगा, इतना सा बात। तो सर नीचे में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका ट्रीटमेंट कैसे कीजिएगा, आप तो सिखा नहीं रहे हैं। हम बोले हम वो चीज आपको सिखाएंगे जो नहीं आता है, जो ऑलरेडी आपको आता है वो हम थोड़ी सिखाएंगे, और हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि नीचे का एडजस्टमेंट आपको आता है, बस साथ साथ चलना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे जो हम बना के रख लिए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लिए। उसके बाद सेकेंड बात ध्यान से सुनिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, नीचे में जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का ऊपर में जो आइटम्स दिए हुए रहते हैं ट्रायल बैलेंस में उससे रिलेशन होता है। तो नीचे में जो इंफॉर्मेशन रहेगा उसको ऊपर में टिक कर लेंगे कि नीचे का दिया हुआ इंफॉर्मेशन का रिलेशन किस चीज के साथ है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक, ऊपर में कहीं उसका रिलेशन नहीं है। फिर लिखा है 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, तो सर परचेज से इसका रिलेशन है क्योंकि जो सामान खरीदे हैं वही तो जला होगा, तो परचेज में टिक कर लेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर, 6,000 का गुड्स रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो सर परचेज में एक और टिक कर लेंगे, दो टिक हो गया परचेज में। गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर ओन यूज, परचेज में एक और टिक कर लेंगे क्योंकि इसका रिलेशन उसी के साथ है। आउटस्टैंडिंग वेजेज, वेजेज में टिक कर लेंगे, और फ्राइट वर पेड इन एडवांस, तो सर फ्राइट को भी टिक कर लेंगे। ये चारों आइटम आपको ट्रायल बैलेंस में दिख गया होगा, परचेज में तीन बार टिक करा चुके हैं, वेजेज में एक बार, फ्राइट में एक बार। हम बोले हां क्यों टिक कराए हैं, सुनिएगा ध्यान से, हम लोग कभी भी क्वेश्चन को दो बार नहीं पढ़ेंगे, मतलब एक बार पढ़ते हुए बनाते हुए चलेंगे और खत्म हो जाएगा, मतलब बार बार नहीं बनाएंगे। तो जो हम लोगों का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है हम उसका आइटम जब पढ़ेंगे तो हम लिखते चलेंगे, जो आइटम लगेगा ट्रेडिंग का है वो ट्रेडिंग में, जो लगेगा पीएल का है वो पीएल में, जो लगेगा बैलेंस शीट का है वो बैलेंस शीट में, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जिस आइटम पे हम टिक करवा दिए, नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़े और उस इंफॉर्मेशन से हमको पता लग गया कि इस आइटम में टिक होगा, सर आपको पता चल गया, हम लोगों कैसे पता चलेगा? हम बोले दोस्त आपको ही पता चलेगा, वेजेज ऑफ फ्राइट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वेजेज ऑफ फ्राइट तो नाम से बोला है, तो वेजेज ऑफ फ्राइट के ऊपर कुछ बात कर दिया है इसलिए टिक हो गया। उसके बाद गुड्स, गुड्स बोल करके वो बात किया, गुड्स का मतलब क्या, परचेज, तो परचेज पे टिक कर लिए हम, वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक पे कोई बात किया नहीं तो हमने कुछ नहीं किया। जिस आइटम को हम लोग टिक करेंगे उस आइटम का पैसा हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, कभी भी आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बिना एडजस्टमेंट किए पैसा बाहर कैसे कर देंगे। तो जैसे आपको हम टिक करवाएं, नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़े और हम किस पे टिक कराएं, परचेज पे तीन टिक कराएं, तो परचेज का पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके नीचे चार से पांच लाइन छोड़ देंगे कि सर आप तीन बार टिक कराए हैं तो कम से कम चार लाइन तो छूटेगा ही छूटेगा। हम बोले हां। दूसरा बात, क्या टिक कराए हैं, वेजेस, तो सर वेजेस का पैसा भी इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है, नीचे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया है। और फ्राइट, उसका पैसा भी इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया है। लेकिन बाकी बचा हुआ आइटम पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बाकी बचा हुआ आइटम को डायरेक्ट हम लोग आउटर कॉलम में लिख सकते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नहीं दिया। हम आपके साथ क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रेजेंट कैसे करना है, एडजस्टमेंट को छोड़िए, हो गया तेल लेने,
हम लोग को बात है कि सर बनाना कैसे, हम बोले क्वेश्चन को बार बार कभी नहीं पढ़िएगा वरना बहुत टाइम बर्बाद होगा। करना कैसे है, एक बार ट्रायल बैलेंस को पढ़ लिए और जब एडजस्टमेंट को पढ़े तो एडजस्टमेंट का ऊपर में जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है अगर उससे कोई आइटम का रिलेशन है तो टिक करते चलेंगे। जैसे हम पढ़े तो परचेज वेजेज और फ्राइट में हमको टिक करना पड़ा। उसके बाद जब सॉल्यूशन में आएंगे तो ध्यान क्या रखेंगे कि सर जिस जिस आइटम में हम लोग टिक किए हैं उसका पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे और जिस जिस आइटम में टिक नहीं किए हैं उसका पैसा सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे। हम बोले ओके, जिस आइटम को आप टिक किए हैं उस आइटम के नीचे आपको जगह छोड़ना पड़ेगा। कितना जगह छोड़ेंगे, एक टिक किए होंगे तो दो लाइन छोड़ दीजिएगा और अगर दो तीन टिक कर दिए होंगे तो तीन चार लाइन छोड़ दीजिएगा। जैसे परचेज में तीन बार टिक बोल दिए हम तो उसके नीचे हम चार से पांच लाइन छोड़ेंगे। वेजेज में एक टिक है दो लाइन छोड़ेंगे, फ्राइट में एक टिक है दो लाइन छोड़ेंगे और बाकी सारा आइटम जिसमें कोई टिक नहीं किए उसका पैसा आउटर कॉलम रुपीज वाले कॉलम में लिख देंगे। यहां तक का बात क्लियर? शुरू करते हैं आपके साथ एकदम आराम से और धीरे धीरे बनाना। आपके सामने पढ़ रहे हैं, सबसे पहला आइटम है स्टॉक, वो कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग, क्या इस पे कोई टिक है, नहीं, सीधा बाहर कीजिए। ओपनिंग स्टॉक कितने अमाउंट का, 10,000। नेक्स्ट परचेज, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, और सर इसमें आप तीन बार टिक किए तो परचेज का पैसा कितना है, 1,60,000। इसके नीचे तीन बार टिक है तो सर चार पांच लाइन छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। अगला नाम कैरेज इन वार्ड, क्या इस पे कोई टिक है, नहीं, तो सीधा बाहर। क्या कैरेज इन वार्ड डायरेक्ट है, जी हां ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। सर मान लो अगर कैरेज आउटवर्ड रहता तो फिर वो ट्रेडिंग में नहीं आता, वो पीएल में आता। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है कैरेज ऑन सेल, बेचने का खर्चा, बेचने का खर्चा यहां नहीं आता, यहां खरीदने का खर्चा। तो कैरेज इन वॉट 10,000। नेक्स्ट वेजेज, क्या वेजेज के ऊपर हम टिक करवाए हैं, बिल्कुल, तो पैसा देखो इनर कॉलम में लिखेंगे 30,000। फ्राइट, फ्राइट पे भी टिक करवाए हैं, सिंगल टिक है, क्या फ्राइट भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, जी हां। सर अगर मान लीजिए फ्राइट आउटवर्ड रहता तो आउटवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, आउटवर्ड का मतलब फ्राइट ऑन सेल, बेचने का खर्चा। इसके नीचे भी दो लाइन छोड़ दिए। अगला नाम सेल्स, सेल्स तो इनकम है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, कौन सा इनकम है, डायरेक्ट 3,00,000। सर इस पे तो टिक नहीं है, हम बोले रिटर्न है नीचे में, पढ़िए रिटर्न इन वार्ड, इन वार्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, कितने रुपए का, 16,000। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड कितने रुपए का, 10,000। तो ये आएगा 2,84,000। परचेज में भी बहुत सारा काम है। रॉयल्टी, क्या इस पे कोई टिक है, नहीं, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन कितने अमाउंट का, 6,000। गैस एंड फ्यूल 2,000। खत्म, फिनिश। क्या हम आपको बोले थे कि ट्रायल बैलेंस का आइटम एक बार आता है, आप चेक करो, एक ही बार आया है, कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ ट्रेडिंग में ही आए, हो सकता है कुछ ट्रेडिंग में आए, कुछ पीएल में आए, कुछ बैलेंस शीट में आए, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ ट्रेडिंग का था तो इसमें दिया हुआ आइटम भी सिर्फ ट्रेडिंग का था। अब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और आपके साथ बात करते हुए चलेंगे, आप बताइएगा कहां कहां क्या करना है। पहला इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, पहला इंफॉर्मेशन है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2015, मार्केट प्राइस 24,000, कॉस्ट प्राइस 20,000। ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग या क्लोजिंग, क्लोजिंग कैसे पता, ऊपर में क्वेश्चन में डेट लिखा हुआ था 31 मार्च 2015 और क्लोजिंग स्टॉक का भी डेट क्या है, 31 मार्च 2015, मतलब ये करंट ईयर का स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक। तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या सीखे हैं हम लोग। सर क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री, हम बोले हां हम आपको हमेशा एंट्री पे प्रेशर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट,
जैसा कि हम आपको बोले थे कि जो इंफॉर्मेशन में बातें दी हुई होंगी वो बातों का एंट्री करना बाकी है, आप एंट्री कीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जैसे ही रिकॉर्ड करेंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट किसमें दिखाएंगे, लोअर में। लोअर कौन है? कॉस्ट। मार्केट प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट लोअर है, और हम लोग लिखे हैं स्टॉक हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब मार्केट प्राइस पे दिखाया जाएगा, तो लोअर तो कॉस्ट है। एंट्री किए क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ है। हम बोले हां, तो सर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में लिखिए। क्या हम आपको ये बात रटवाए हैं कि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आएगा? नहीं, वो तो एंट्री बोल रहा है, एंट्री तो हम लोग जानते हैं। ये हुआ पहला इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट हुआ, ट्रेडिंग क्रेडिट में गया। सर क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हुआ, ये कहां जाएगा? हम बोले सर ये तो एसेट्स है, ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है, वरना बैलेंस शीट में कहां जाता है? ये एसेट साइड में, करेंट एसेट्स के अंदर लिखते हैं बैलेंस शीट में। बात ठीक। अगला पढ़िए, सेकेंड नंबर। हम बोले सर सेकेंड नंबर कहां गया? एक सेकेंड, कहां चला? सेकेंड नंबर लिखा है स्टॉक वैल्यू 10,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ ₹6,000। बोल रहा है आग लगा और सामान जल गया 10,000 का, क्या एंट्री होगा? सर एंट्री होगा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर डेबिट टू परचेज, सामान जल गया। कितने का जला? 10,000। ये तो हुआ इसका पहला इफेक्ट। फिर इंश्योरेंस कंपनी बोला 6,000 दे देंगे, तो हम बोले सर इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, वो मेरे लिए एसेट्स बन जाएगा। कितना देगा? 6,000। जबकि मेरा सामान कितने का जला है? सर सामान तो 10 का जला है, ये तो 10 का जला है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया? 4 का। ये क्या है? हम बोल रहे सर ये है एक्चुअल लॉस, लॉस बाय फायर। कितने का? 4,000 का। सीएमएस साहब पहले इसका इफेक्ट का बात करते हैं। सर परचेज क्रेडिट हुआ है, परचेज एक्सपेंस है, थोड़ा बताइए तो एक्सपेंस का रूल क्या है? सर एक्सपेंस का रूल है एक्सपेंस अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है, एक्सपेंस अगर डिक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है। बोले हां, तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई एक्सपेंस डेबिट साइड में दिखता है तो इसका मतलब होता है खर्चा बढ़ रहा है, और अगर कोई एक्सपेंस क्रेडिट साइड में दिखता है तो इसका मतलब होता है वो खर्चा घट रहा है। बोले हां, परचेज खर्चा है और खर्चा हम क्रेडिट में लिखे हैं तो सर आपको खर्चा माइनस करना चाहिए। बोले गुड, लॉस बाय फायर, सामान जल गया। कितने का? 10,000। डिस्ट्रॉय बाय फायर डेबिट, डिस्ट्रॉय बाय फायर क्रेडिट, खत्म। तो सर ये तो कैंसिल ही करा लिया अपने आपको एंट्री में ही, परचेज का बात आप कर ही लिए। अब आते हैं इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी हमको 6,000 रुपया देगा, ये क्या है? हम बोले सर ये बैलेंस शीट में चला जाएगा करेंट एसेट्स, और ये लॉस हुआ है 4,000 का, सर ये कहां जाएगा? हम बोले सर ये पीएल में जाएगा डेबिट साइड, क्योंकि ये है मेरा लॉस। और ये कौन सा लॉस है? डायरेक्ट? हम बोले नहीं, ये इनडायरेक्ट लॉस है। तो सर लॉस बाय फायर 4,000 डेबिट, 10,000 का परचेज घट गया, और 6,000 का क्या हो गया? मेरा इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि वो एसेट्स बन गया। हम आपको क्या सिखाए थे? हम आपको सिखाए थे कि एडजस्टमेंट का हमेशा दो इफेक्ट पड़ेगा, एक इफेक्ट डेबिट का, एक इफेक्ट क्रेडिट का। क्रेडिट में कितना इफेक्ट पड़ा? 10,000। परचेज क्रेडिट हुआ मतलब मेरा परचेज घट गया, घटा दिए। तो अगर क्रेडिट 10 का इफेक्ट देगा तो डेबिट भी 10 का ही इफेक्ट देगा। तो देखो 10 का इफेक्ट, 6,000 से एसेट्स बन जाएगा और 4,000 का एक्चुअल लॉस हो जाएगा। जो एक्चुअल लॉस है वो पीएल में जाएगा, और जो पैसा हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा वो कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट के करेंट एसेट्स के अंदर, कि सर इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा बात भी खत्म।
अगला बात पढ़ो, तीसरा बात क्या लिखा है, लिखा है क्वेश्चन में कि गुड्स परचेज फॉर 6,000 ऑन 29th मार्च 2015 बट स्टिल लाइंग इन ट्रांजिट, अभी भी वो रास्ते में ही है, नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, इस बात का बुक्स में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। सर इसमें भी दो बात कह रहा है, क्या क्या बोल रहा है, गुड्स खरीदे हैं और रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो खरीदने का एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, कितने का गुड्स है 6,000। दूसरा एंट्री, ये सामान अभी भी रास्ते में है, तो सर ये सामान अगर रास्ता में है तो ये भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक की तरह है, गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू ट्रेडिंग 6,000। आप बात समझ रहे हैं कि सर सामान खरीदे तो खरीदने का एंट्री तो होगा ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, क्वेश्चन बोला है आप रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो हम पहला रिकॉर्ड कर लिए, सर खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, परचेज डेबिट हुआ तो सर आपका खर्चा बढ़ गया प्लस, अनरिकॉर्डेड कितने का 6,000। तो सर ये पहला इफेक्ट टू क्रेडिटर, तो सर क्रेडिटर तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट हुआ तो बढ़ गया, हम बोले ओके। दूसरा इफेक्ट, जो सामान खरीदे वो अभी तक हमको मिला ही नहीं है, है तो मेरा ही सामान, तो वो क्या बन जाएगा, मेरा स्टॉक बन जाएगा सर, तो सर आप यहां पे लिख सकते हैं बाय गुड्स इन ट्रांजिट कितने रुपए का, और अल्टरनेटिवली आप क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ लेते कि सर क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर लो तो 20 और 6 26,000 का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, हम बोले हां अगर आप चाहो तो आप ऐड कर लो, अदरवाइज आप अलग दिखा दो, आप बोल दो सर ये है स्टॉक इन हैंड 20,000 और ये है स्टॉक इन ट्रांजिट, दोनों स्टॉक है मेरा, ये भी हो गया पॉइंट नंबर 3 खत्म। हम आपको एडजस्टमेंट रटवा ही नहीं रहे, हम तो बोल रहे हैं भाई जो नीचे में बात है उसका एंट्री करो, उसका बेनिफिट आपका एंट्री अच्छा हो जाएगा, और बनाते बनाते फिर आप भी समझ जाओगे कि हां सर एंट्री नहीं भी करेंगे, मन में ही सोच लेंगे तो बता देंगे क्या इसका इफेक्ट होने वाला है, तो डबल इफेक्ट आपको दिख गया, फिर ये क्लोजिंग गुड्स इन ट्रांजिट कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में, कि सर ये तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, और ये ट्रेडिंग क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड लिख दी। आइटम नंबर 4, गुड्स टेकन बाय द फॉर The proprietor for its own use 3,000 goods use कर लिया है proprietor, क्या entry करते हैं drawing account debit to purchase, ये entry होता है, entry आपको आता है, ये हमेशा मानेंगे कि आपको entry आता है, drawing account debit to purchase, drawing कहां जाएगा सर, balance sheet में capital से minus होगा, हम बोले हां तो बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है, पहला इफेक्ट परचेज क्रेडिट हुआ है, परचेज क्रेडिट जबकि परचेज तो खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है तो प्लस कर देते हैं बढ़ गया, और क्रेडिट होता है तो माइनस कर देते हैं माइनस, ड्रॉइंग कितने का 3,000 ये भी हो गया। अगला आइटम, आइटम नंबर 5, आउटस्टैंडिंग वेजेज 4,000, बताइए आउटस्टैंडिंग वेजेस का एंट्री क्या होगा सीएमए जी, कल को आप बड़ा बड़ा कंपनी संभालेंगे, आप बताओ सर कंपनी में तो सीए भी होगा, अकाउंट वो देखेगा, हम तो कॉस्ट देखेंगे, हम बोले हां बात तो आपका भी सही है, लेकिन सोचिए अगर आपके कंपनी में कोई सीए ना हो और कंपनी का बॉस आपको बोले कि भाई बना दो मेरा फाइनल अकाउंट, तो क्या बोलिएगा कि जाओ सीए लेके आओ, हम तो कॉस्टिंग का काम करेंगे, हम बताएंगे कॉस्ट कितना है, ऐसा भी बोल सकते हैं, वो निकाल देगा जॉब से, वो बोलेगा भाई तुम्हारे पास भी तो पेपर था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो हम बोल रहे हैं बताओ पांचवा नंबर जो एडजस्टमेंट है जिसमें लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेज, क्या एंट्री करोगे इसका, सर आउटस्टैंडिंग वेजेज का एंट्री क्या होगा, वेजेज अकाउंट डेबिट, हम बोले हां टू आउटस्टैंडिंग वेज कितने रुपए का, सर 4,000, बस एंट्री कर ली,
वेजे, सर ये खर्चा है और खर्चा क्या हुआ है डेबिट, तो सर खर्चा डेबिट हुआ है तो खर्चा बढ़ गया तो बढ़ा लो। बढ़ा ली। और सर आउटस्टैंडिंग वेजेज, हम बोले सर ये तो लाइबिलिटी है, ये कहां जाएगा बैलेंस शीट, तो सेकेंड इफेक्ट कहां पड़ेगा बैलेंस शीट में, हमको सेकेंड इफेक्ट देना नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट बनाना नहीं है, वरना दो इफेक्ट तो पढ़ना ही पड़ना है। सिक्स नंबर पढ़ो, लिखा है फ्राइट वाज पेड इन एडवांस 1000, 1000 रुपया का फ्राइट एडवांस में दे दी, तो हम बोले सर प्रीपेड है ये, तो प्रीपेड का एंट्री क्या सीखे, प्रीपेड एक्सपेंस का एंट्री क्या होता है सर, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, हम बोले कर लो प्रीपेड फ्राइट डेबिट टू फ्राइट, कितने का 1000। ये प्रीपेड फ्राइट ये क्या है सर, ये तो एसेट्स, कौन सा एसेट्स, करेंट एसेट्स, कहां जाएगा बैलेंस शीट, एक इफेक्ट तो ये हुआ। सेकेंड इफेक्ट फ्राइट क्रेडिट हुआ है, फ्राइट तो खर्चा है और खर्चा कहां किए हैं क्रेडिट साइड में, तो सर क्रेडिट कर दिए हैं खर्चा को, खर्चा डेबिट होता है तो प्लस और क्रेडिट होता है तो माइनस, तो सर प्रीपेड माइनस कर दीजिए, कितने का 1000, खत्म। और कोई ट्रीटमेंट, हम बोले नहीं अब कुछ नहीं है, आओ बाहर करें अब चीजों को, वेजेज आया 34, ये आया 7, एडजस्टमेंट खत्म हो गया। इधर देखिए 1,60,000 माइनस 10 और 10 20 माइनस 3 प्लस 6 1,43,000। सर बुक में ऐसा नहीं है दोस्त, बुक में ऐसा नहीं है लेकिन आंसर वही आएगा। बुक क्या क्या है, ये जो सामान लॉस हो गया है जल के उसको वो बोला है क्लोजिंग स्टॉक है, बताओ जो सामान जल गया है क्या वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, बी लॉजिकल, क्या वो सच में आपका क्लोजिंग स्टॉक है, नहीं। तो आप बोल सकते हो कि सर लिखने में तो आप इधर नहीं सकते, मुझे हाँ लिख सकते थे लेकिन हम एंट्री फॉलो कर रहे हैं, एंट्री में परचेज हुआ था क्रेडिट तो माइनस कर दिए, हम लोग जो बना रहे हैं वो 100% सही है और आपको 100% मार्क्स मिलेगा। चलो आगे बढ़े, और कुछ तो नहीं है सर, चलो जोड़ा जाए 2,84,000 प्लस 26,000 3,10,000 में माइनस कीजिए 10,000 1,43,000 10,000 34,000 7,000 और 6 और 2 8,000 98,000 का ग्रॉस प्रॉफिट जो कहां चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो सर बैलेंसिंग फिगर से आया, हम बोले बिल्कुल ये बैलेंसिंग फिगर से ही आया है, इनकम अधिक है एक्सपेंस कम है। आइए बुक से मैच कराएं, क्या हम लोग के स्टडी मैट में भी यही आंसर दिया हुआ है, जी हाँ 98,000। तो ये मैच कर गया हम लोग का इलुस्ट्रेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन। लिखिए चलिए इलुस्ट्रेशन नंबर 2 में आते हैं, लिखा है इंडिकेट Where the following items will be shown in various component of trading account and profit and loss account. नीचे में कुछ items दिए हुए हैं, बताना है उसमें से कौन सा item trading का है और किस side जाता है, और कौन सा item PL का है और किस side जाता है, side का मतलब debit या credit। चलिए शुरू करें, सबसे पहला item लिखा है wages। wages क्या है सर, direct expense है, कहां जाएगा trading account के debit side में, तो यहां लिखेंगे trading account, कहां जाएगा बोले सर डेबिट साइड डीआर। सेकेंड सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, सैलरी कहां जाएगा सर पीएल में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस साइड में सर, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में, खर्चा तो डेबिट ही होता है। थर्ड डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस का सर पीएल में, ये भी एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस साइड, डेबिट साइड। फोर्थ नंबर पावर एंड फ्यूल, सर ये भी खर्चा है लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग कहां जाएगा डेबिट साइड। फिफ्थ नंबर रिपेयर टू मशीन, सर ये भी खर्चा है पीएल के डेबिट में,
सिक्स नंबर पढ़ो, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एक्सपेंस पीएल डेबिट। सेवेंथ नंबर परचेज रिटर्न, सर ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में परचेज से माइनस होता है तो ट्रेडिंग में जाएगा, डेबिट में लेस फ्रॉम परचेज। एट नंबर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक है कहां जाता है सर, क्लोजिंग स्टॉक तो क्रेडिट में जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का, सर ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है, फॉर्मेट में तो लिखे हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट के कहां जाएगा, डेबिट साइड में। टेंथ नंबर इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला तो इनकम है, कौन सा इनकम है, हम बोले सर इनडायरेक्ट इनकम है, लिखे भी थे डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बैड डेट रिकवरी, कमीशन रिसीव, ये सारा क्या है इनडायरेक्ट है इनकम, तो सर इनडायरेक्ट तो पीएल में जाएगा और इनकम है तो क्रेडिट में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा किस साइड, क्रेडिट साइड, क्यों, क्योंकि इनकम है इसीलिए। इलेवेंथ कमीशन पेड, कमीशन दे रहे हैं तो ये तो खर्चा है, किस तरह का, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में ऐसा कोई नाम लिखवाई नहीं है हम तो इनडायरेक्ट है सर, तो पीएल में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ट्वेल्थ नंबर टेलीफोन, टेलीफोन का खर्चा हो रहा है सर, ये भी खर्चा है, पीएल में जाएगा, डेबिट साइड। अगला आइटम 13 ट्रेवल एंड कन्वेंस, बोल रहा सर आने जाने का भाड़ा दे रहे हैं, खर्चा पीएल में, और खर्चा है तो डेबिट है। 14th नंबर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हैं तो सर ये भी खर्चा है, क्या ये डायरेक्ट है, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 15th नंबर ऑडिट फी, सर ये भी खर्चा है, पीएल में। 16th कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। 17th फ्राइट आउटवर्ड, पीएल में डेबिट साइड, बेचने का खर्चा है, फ्राइट आउटवर्ड। बैड डेट पीएल के डेबिट में, खर्चा है इनडायरेक्ट, इस तरह का पैसा डूब गया। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट, सर पीएल के डेबिट में। रिटर्न इनवर्ड, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लेस होगा सेल्स से, लेस फ्रॉम सेल्स। 21 नंबर डिस्काउंट अर्न, हमको डिस्काउंट मिला तो इनकम, कौन सा इनकम है ये इनडायरेक्ट, तो सर पीएल के क्रेडिट में। 22 डेप्रिशिएशन ऑन डिलीवरी वैन, पीएल के डेबिट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पीएल अकाउंट के डेबिट में, खर्चा है। और 24 सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ये क्वेश्चन मेनली इसलिए दिया गया है ताकि आपको आइडेंटिफाई करना आ जाए कि कौन सा आइटम किससे रिलेटेड है, ट्रेडिंग से कौन सा रिलेटेड है और पीएल से कौन कौन सा रिलेटेड है। पहले लिखिए इस बात, आइए इलुस्ट्रेशन नंबर 3 की ओर आते हैं, क्या लिखा है पढ़े। फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रेजेंटेड बाय श्री तिलंकर फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बनाने बोला गया हम लोग को, बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखलाइए, बोले ठीक। क्या क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन में वो देखें, एक मिनट। लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है 1 लाख का, कहां लिखेंगे, जैसा हम लोग सीखे थे कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो पीएल में ट्रांसफर हो जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में आता है तो ट्रांसफर कहां होता है, क्रेडिट में, तो सर
बाय ग्रॉस प्रॉफिट पीएल अकाउंट में लिख देंगे 1,00,000 रुपए का, रेंट है 22,000, सैलरी है 10,000, कमीशन है 12,000, क्रेडिट, तो सर कमीशन में क्रेडिट लिखा हुआ है, इसका मतलब इनकम क्रेडिट है, तो इंश्योरेंस है 8,000, सर ये तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट क्रेडिट सर फिर से इनकम, बैड डेट सर एक्सपेंस है डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट 1/4/2012, डेट गलत है 1/4/2014 होगा, ठीक कर लीजिएगा, 4,000 रुपया का, ये क्या है ओपनिंग प्रोविजन, बात करेंगे हम लोग प्रोविजन के ऊपर, सन्ड्री डेटर ये तो एसेट्स है ये तो नहीं आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000 सर ये भी आपका क्या है, हम बोले इनकम कहां आएगा क्रेडिट साइड में, प्लांट एंड मशीन 80,000 ये पीएल में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और प्लस ये एसेट्स है, पीएल में क्या आता है एक्सपेंसेस एंड इनकम, क्या प्लांट एक एसेट्स है, हां तो नहीं आएगा, डेटर एक एसेट्स है वो भी नहीं आएगा, नीचे में एडजस्टमेंट है तो सर ऊपर का जो आइटम है वो ट्रायल बैलेंस का आइटम है और नीचे में क्या है एडजस्टमेंट, तो जो एडजस्टमेंट है उसको टिक करते चलिएगा, जो आइटम टिक होगा उसका पैसा इनर कॉलम में, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी को टिक कर लो, रेंट पेड फॉर 11 मंथ, रेंट कितना महीने का पे किए हैं 11 मंथ, तो एक महीना का रेंट आउटस्टैंडिंग है बकाया है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट ड्यू हो गया है नहीं मिला है, इंटरेस्ट को टिक कर लीजिएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 तो इंश्योरेंस को टिक कर लेंगे, डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट तो सर ऊपर में प्लांट को टिक कर लीजिएगा, फिर लिखा है फर्दर बैड डेट 2,000 एंड मेक ए प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% ऑन डेटर, तो सर ऊपर में डेटर और बैड डेट दोनों पे टिक कर लीजिएगा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटिंग टू ₹2,000, कमीशन एडवांस में मिला 2,000 रुपया का, तो ऊपर में जो ट्रायल बैलेंस का आइटम दिया हुआ है वहां कमीशन भी टिक कर लीजिएगा, तो ये जो जो आइटम हम लोग टिक कराए हैं उसका पैसा इनर कॉलम में लिखा जाएगा और जो टिक नहीं हुआ उसका पैसा आउटर कॉलम में लिखा जाएगा, क्योंकि हम लोग टिक कर चुके हैं तो हर किसी के नीचे हम लोग को दो दो लाइन छोड़ना भी पड़ेगा जिसको जिसको टिक किए होंगे। चलिए ये हम लोग शुरू करें उससे पहले आपके साथ हम एक डिस्कशन कर लेते हैं बैड डेट का। अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस में हो, ध्यान दीजिएगा, तो ट्रायल बैलेंस का आइटम कितना बढ़ जाता है सिर्फ एक बार, तो सर ये तो चला जाएगा डेबिट ऑफ पीएल, और अगर बैड डेट एडजस्टमेंट में हो मतलब इंफॉर्मेशन में हो तो सर इसका ट्रीटमेंट दो बार, हम बोले हां, तो इसका ट्रीटमेंट दो बार कैसे होगा, हम बोले सर आप एंट्री करो, क्या एंट्री होगा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो इफेक्ट क्या पड़ा, हम बोले सर ये जो एंट्री की एडजस्टमेंट में जो बैड डेट मिलेगा उसका तो एंट्री होगा, बैड डेट का एंट्री तो जानते हैं हम लोग ना, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो सर बैड डेट कहां चला जाएगा पीएल के डेबिट में, और ये डेटर क्रेडिट हुआ है तो सर डेटर क्या होगा एसेट साइड में माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि सर डेटर एक एसेट्स है, एसेट्स का रूल क्या है एसेट्स बढ़ेगा डेबिट घटेगा तो क्रेडिट, तो क्रेडिट हुआ तो घटाना पड़ेगा ना, तो एसेट्स में घटा देंगे एक रूल, हम बोले ओके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ध्यान देना जो ट्रायल बैलेंस में होगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे बैड डेट से, माइनस फ्रॉम बैड डेट, और अगर एडजस्टमेंट में होगा तो फिर इसका एंट्री हो जाएगा, एंट्री क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ है तो सर इसको तो डेबिट करना पड़ेगा, तो डेबिट साइड में क्या करते हैं ऐड टू बैड डेट, इसको अलग से ना दिखा के बैड डेट में ऐड कर देते हैं, और जो प्रोविजन है ये जो प्रोविजन आपको दिख रहा है ये कहां जाएगा
माइनस फ्रॉम डेटर, डेटर से माइनस कर देंगे। लिख लीजिएगा इस बात को, आपको हेल्प करेगा। एक और चीज मिलेगा आपको, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। हम बोले सर इसका ट्रीटमेंट सेम ऊपर वाले की तरह, अगर ट्रायल बैलेंस में रहा तो सर आपको बैड डेट से माइनस कर देना है, और अगर एडजस्टमेंट में रहा तो बैड डेट में प्लस कर देना है और डेटर से माइनस कर देना है, सेम एज एवर। इसका हम बोल सकते हैं जो एवर है उसके तरह, इसके तरह नहीं, इसके तरह। बात ठीक? अब सुनिएगा, सवाल उठता है कि सर पैसा का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। इस बात को आप लिख लिए होंगे, मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये तो हम ट्रीटमेंट सिखा दिए लिख करके आपको, अब बात करते हैं सर कैसे निकाला जाएगा। क्वेश्चन में जो डेटर दिया रहेगा आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्वेश्चन में आपको एक डेटर बताया जाएगा, ये बाद में समझेंगे कि आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आप क्यों लिखे। हम अभी आपको क्या समझा रहे हैं, एक बात हमसे समझाएं कि बैड डेट अगर ट्रायल बैलेंस में हो तो क्या ट्रीटमेंट होता है, और एडजस्टमेंट में हो तो क्या ट्रीटमेंट होता है। फिर हम ट्रीटमेंट समझाएं आपको, सिखाएं आपको लिखवा करके कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर ट्रायल बैलेंस में हो तब क्या करते हैं, और अगर एडजस्टमेंट में हो तब क्या करते हैं। फिर तीसरा बात सिखाएं कि सर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का सेम ट्रीटमेंट वही होता है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का करते हैं। अब हम सिखा रहे हैं कि सर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, पैसा कैसे निकाला जाएगा। जो डेटर रहेगा उसमें सबसे पहले माइनस होगा बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट। क्या लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट मतलब एडजस्टमेंट वाला बैड डेट माइनस होगा, ट्रायल बैलेंस वाला नहीं, और तब इससे जो अमाउंट निकलेगा, ये जो न्यू अमाउंट निकलेगा, फिर इसमें लगता है प्रोविजन। एडजस्टमेंट वाला ये कौन सा प्रोविजन है, ट्रायल बैलेंस वाला नहीं, एडजस्टमेंट वाला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्वेश्चन में बोलेगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लगेगा 5%, सपोज दैट कि वो बोल रहा है प्रोविजन लगाना है 5%, तो 5% किसका, ये वाले बैड डेट का नहीं, ये वाले बैड डेट का नहीं, ये वाले बैड डेट का। ये प्रोविजन किस पे निकलता है, इस अमाउंट पे। ये जो अमाउंट आएगा आपका डेटर में से जो बैड डेट एडजस्टमेंट में बताया है वो माइनस करने के बाद जो पैसा आएगा उस पे क्या निकलेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कि सर प्रोविजन इस अमाउंट पे बनता है। सर अगर मान लीजिए एडजस्टमेंट के में बैड डेट दिया ही ना हो, तो फिर अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट नहीं दिया रहेगा तो ये डेटर है, बैड डेट अगर एडजस्टमेंट में है ही नहीं तो सर फिर तो यही पैसा पे लगेगा प्रोविजन। हम बोले बिल्कुल, हम तो आपको सीक्वेंस बता रहे हैं कि जो डेटर रहता है उसमें पहले जो पैसा डूब गया है उसको माइनस कर लीजिए। ये कौन सा पैसा है, ट्रायल बैलेंस वाला नहीं, एडजस्टमेंट में जो बैड डेट रहता है वो माइनस होता है, ट्रायल बैलेंस वाला नहीं। ट्रायल बैलेंस वाला तो हो चुका होगा, एडजस्टमेंट वाला जब हम लोग एंट्री करेंगे तो सर एंट्री करने से डेटर घट गया, उसके बाद एक नया अमाउंट आया उसके ऊपर क्या लगा, प्रोविजन। हम बोले अच्छा, फिर एक नया अमाउंट आ गया, ये जो न्यू अमाउंट आएगा इस न्यू अमाउंट पे, ये जो नया अमाउंट आया इसके ऊपर निकाला जाता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अच्छा, मान लीजिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बोला 1%, तो किसका 1%। हम बोले सर ये जो डिस्काउंट का 1% निकालना है वो पैसा किस पे निकाला जाएगा,
डेटर में पहले एडजस्टमेंट वाला बैड डेट माइनस कर लेंगे, फिर एक नया अमाउंट आएगा, इस नए अमाउंट पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालेंगे और फिर उसको भी माइनस करेंगे, फिर एक नया अमाउंट आएगा, और जो अब नया अमाउंट आया है लास्ट में उसमें क्या निकलता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और फाइनली ये है डेटर ऑफ बैलेंस शीट। यही डेटर बैलेंस शीट के में पैसा अपना लिख पाता है। बोले ओके, बात समझ रहे हैं आप मेरा कि कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। अब लॉजिक सुनिएगा, मेरे पास 1,00,000 रुपया है, हम रुपीज में समझा रहे हैं, और अभी अभी 10,000 रुपया डूब गया। एक आदमी आया बोला नहीं देंगे पैसा, नहीं है मेरे पास, तो कितना पैसा अभी भी मिलने का उम्मीद है, 90,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है हमको शक हो रहा है कि एक आदमी मुंह पे आके बोल दिया कि भाई पैसा नहीं है नहीं देंगे, और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे, तो अब जो 90,000 बचा है हमको शक उस पे होगा, क्योंकि हम बोलेंगे सर जो आदमी पैसा डुबा दिया है कंफर्म होके उस पे थोड़ी शक करेंगे, क्या हम अब ये बोलेंगे नहीं नहीं हमको 1,00,000 पे शक है, नहीं, अब हमको 90 पे डाउट है कि ये जो 90,000 लेना है डाउट उस पे होगा। तो सर डाउट किस पे निकालेंगे, जो मेरा बकाया बचा है उस पे, जो कंफर्म बोल दिया नहीं देंगे पहले उसको हटा देंगे, अब बोलेंगे जो बचा है उस पे डाउट है हमको, तो ये निकला डाउट, मान लो डाउट है 5% का, तो सर 4,500 रुपया डाउट, तो डाउट वालों को क्या हम डिस्काउंट देंगे, सवाल ही नहीं उठता। अगर मान लीजिए हमको किसी को डिस्काउंट देना होगा तो डिस्काउंट किसको दिया जाता है, जिस आदमी से पैसा मिलेगा उसको, 90,000 में 4,500 रुपया हमको लग रहा है कि नहीं मिलेगा, तो अगर डिस्काउंट देना होगा तो हम किसको डिस्काउंट देंगे, जिससे पैसा मिलने का पूरा उम्मीद है, वो उम्मीद कितने का है, सिर्फ 85,500 का, तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, जिससे पैसा मिलने का उम्मीद होता है, तो हमको जिस पे शक है पहले उसको हटा दिए कि भाई इतना रुपया नहीं मिलेगा, जो मिलेगा उस पे डिस्काउंट दे रहे हैं कि सर मान लीजिए 1% का डिस्काउंट, तो 855 रुपया का डिस्काउंट दे दिए, तो सर 85,500 माइनस कीजिए जो बचेगा, ये है आपका डेटर का पैसा, जो आपको पैसा पूरा का पूरा मिल जाएगा। बात ठीक, तो हम लोग जब डेटर का बात करेंगे ध्यान क्या रखना है आपको कि सर डेटर के अमाउंट के साथ बैड डेट जो एडजस्टमेंट में होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो एडजस्टमेंट में होता है, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो एडजस्टमेंट में होता है, इन तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है, और इनका कैलकुलेशन का तरीका क्या होगा, सबसे पहले एडजस्टमेंट वाला बैड डेट माइनस होगा। हम इतना बार बोल रहे हैं फिर भी आप पूछिएगा कि सर ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट है उसको माइनस नहीं करेंगे, अरे भैया वही तो बोल रहे हैं, ट्रायल बैलेंस वाला क्यों माइनस करेंगे, वो तो रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो तो माइनस होके ही आया है, एडजस्टमेंट में जो बैड डेट है वो माइनस करेंगे, नहीं होगा, नहीं करेंगे, अगर बैड डेट मिला एडजस्टमेंट में तो डेटर में से माइनस करके जो नया अमाउंट आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उस पे बनेगा, और प्रोविजन बनाने के बाद जो फिर नया अमाउंट आएगा उस पे क्या बनेगा, डिस्काउंट बनेगा। ये हमेशा इसी सीक्वेंस में चलेगा, कभी भी ये सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हम लोग। बात ठीक, सर ये क्या लिखे हैं, आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हम बोले आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब होता है कि अगर डेटर में कोई गलती हो गया है तो पहले उस गलती को ठीक करेंगे, उसके बाद ये सीक्वेंस फॉलो होगा। सपोज करो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि हम एक रिकॉर्डिंग करना भूल गए डेटर का, तो पहले उस रिकॉर्डिंग डेटर को रिकॉर्ड कर लीजिए, डेटर को बढ़ा लीजिए, उसके बाद ये सीक्वेंस को फॉलो कराइएगा। बात ठीक, तो ये होता है रेक्टिफिकेशन। किसी क्वेश्चन में अगर मिलेगा तो हम दिखा देंगे कि देखो रेक्टिफिकेशन करके, क्योंकि अगर सवाल में कुछ गलती है तो गलती सवाल से सही थोड़ी बनाया जा सकता है, पहले उस गलती को ठीक करेंगे तब सवाल बनना शुरू होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी कोई एरर हो जाए उस एरर को रेक्टिफाई किए बिना आप क्वेश्चन को सही नहीं बना सकते, पहले रेक्टिफाई कर लीजिए उसके बाद हम लोग बाकी सारा काम करेंगे। ठीक है बात, तो ये हुआ हम लोग का डेटर के ऊपर चर्चा कि सर बैड डेट का ट्रीटमेंट क्या होता है, जब वो ट्रायल बैलेंस में होता है तब तो सिर्फ डेबिट साइड में, और एडजस्टमेंट में होता है तो दो बार करना है, तो एंट्री कर लो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बैड डेट डेबिट हुआ तो पीएल के डेबिट में, और डेटर क्रेडिट हुआ
तो सर डेटर क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगा। उसके बाद प्रोविजन का बात किए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। फिर हम लोग कैलकुलेशन का बात किए कि सर डेटर में पहले क्या माइनस होता है, एडजस्टमेंट वाला बैड डेट, उसके बाद जो नया अमाउंट बचता है उस पर क्या निकलता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसके बाद उसको माइनस करने के बाद जो फिर नया अमाउंट बचता है उस पर क्या निकलता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। बात ठीक, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो सवाल तो हम लोग पढ़ चुके थे, अब बनाना शुरू करते हैं। पहला आइटम क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। कहां लिखें, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर क्रेडिट साइड लिखो, प्रॉफिट है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितने का, 1 लाख। अगला आइटम क्या था सर, रेंट। क्या रेंट खर्चा है? हाँ, तो डेबिट में लिखो। और क्या रेंट पे टिक भी करवा हुआ है? बिल्कुल। तो सर रेंट का पैसा अंदर लिखना और दो लाइन छोड़ देना, छोड़ दी। सैलरी, सर सैलरी पे भी टिक है तो पैसा इनर कॉलम में लिखो। कितना, 10,000। कमीशन क्रेडिट, सर उस पर भी टिक है और क्रेडिट है मतलब वो इनकम है तो क्रेडिट साइड लिखो। इसका मतलब है कमीशन रिसीव्ड, कितने रुपए का, 12,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस है और इस पे भी टिक है तो डेबिट साइड, और टिक होने के कारण पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे, 8,000। इंटरेस्ट क्रेडिट, तो सर क्रेडिट लिखा है मतलब इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इस पे भी टिक है, जी हां इस पे भी टिक है तो पैसा इनर कॉलम में 6,000। उसके बाद है बैड डेट, इस पे भी टिक है। ये कौन सा बैड डेट है, ट्रायल बैलेंस वाला, तो सर एक ही बार लिखना है। कितने रुपए का बैड डेट है, 2,000। फिर सर लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट 1/4/2012, वो 2012 नहीं 2014 है, ठीक कर लो। ये कौन सा प्रोविजन है, हम बोल रहे हैं सर ये ट्रायल बैलेंस वाला है, क्या लिखवाए थे, माइनस कर देंगे बैड डेट से, इसको बोलते हैं ओपनिंग प्रोविजन। कितने रुपए का प्रोविजन है, 4,000 माइनस। डेटर, सर वो थोड़ी आएगा, वो तो एसेट्स है। डिस्काउंट रिसीव्ड, हां ये आएगा। क्या इस पे भी टिक है, नहीं तो पैसा बाहर। डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का, 2,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीन, ये पीएल में थोड़ी आएगा, ये तो एसेट्स है, बोले ओके खत्म। आइटम सारा खत्म, ट्रेडिंग का आइटम एक बार आता है। सर डेटर और प्लांट मशीन तो नहीं आया दोस्त, वो बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट थोड़ी बनाना है हमको, वरना वो भी एक बार आता है, कहां पे, बैलेंस शीट में, और उन दोनों में टिक है तो वो दोनों का पैसा अंदर लिखा जाता। चलो एडजस्टमेंट में पड़े, पहला एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000। हम बोले दोस्त हमको तो नहीं पता क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000। बताइए इफेक्ट, सैलरी डेबिट हुआ है सर, सैलरी खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है तो बढ़ प्लस हो जाता है, तो खर्चा में जोड़ लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी। बोले ओके आगे बढ़ो। रेंट पेड फॉर 11 मंथ, ये जो रेंट हम पे किए हैं ये कितने मंथ का है, 11, तो कितने मंथ का बाकी है, 1 मंथ का, तो सर ये भी सेम एंट्री, 1 मंथ का बाकी है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। सर हम बोले हाँ, आप सर पिछले वाले का एक ही ट्रीटमेंट बताए कि सैलरी डेबिट हुआ है तो सैलरी खर्चा डेबिट है, खर्चा में जोड़ दो, ये आउटस्टैंडिंग रेंट दोस्त ये तो लाइबिलिटी है ना, कहां चला जाए, बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट तो बनाने ही बोला है क्वेश्चन हम लोगों को। सेम बात, अब एंट्री सा कर लिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, सर पैसा नहीं बताया, निकालना पड़ेगा। 11 महीने का रेंट हम पे कर दिए, कितना पे किए, 22,000, तो अगर 11 महीने का 22,000 तो एक महीने का कितना, सर आपको कैसे एक महीने का बाकी है, क्योंकि हम लोग इन जनरल यही जानते हैं कि अकाउंट एक साल का बनता है, तो 12 महीने का एक साल होता है जिसमें हम 11 महीने का पे कर दिए, तो कितना पे कर दिए, 22,000, वो 11 महीने का है, तो एक महीने का बाकी है,
तो 11 महीना का 22,000, तो एक महीने का कितना सर? 2,000। कैसे निकाले? हम बोले दोस्त ये सब बताना पड़ेगा। 22,000 डिवाइडेड बाय 11, 2,000। एंट्री क्या बना? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट तो खर्चा है, खर्चा डेबिट हुआ है, तो खर्चा डेबिट हुआ है तो सर प्लस कीजिए। आउटस्टैंडिंग रेंट, चौबीस हजार, ये भी हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट, सर ये जो आउटस्टैंडिंग है ये तो लायबिलिटी बन जाएगा, कि भाई देना है तो लायबिलिटी है, तो कहां चला जाएगा? लायबिलिटी में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। अगला चीज पढ़ो, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड अमाउंटिंग टू 2000। बोल रहा है 2000 का इंटरेस्ट आपको अभी तक नहीं मिला। हम बोले बताओ तो क्या एंट्री होगा? हमको इंटरेस्ट मिलना था, नहीं मिला, तो सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सर पिछले बार आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हुआ था, इस बार डेबिट कर रहे हैं, तो वो खर्चा था, खर्चा बकाया है तो लायबिलिटी बना। इनकम बाकी है, मिलना था नहीं मिला है अभी तक, तो सर अक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट, टू इंटरेस्ट। कितने अमाउंट का? अमाउंट है 2000। बताओ ट्रीटमेंट क्या होगा? सर ये आउटस्टैंडिंग तो एसेट्स है। हम बोले हां, तो ये तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, और इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है तो सर इंटरेस्ट क्रेडिट, यहां भी क्रेडिट, मतलब इनकम बढ़ गया। इनकम का रूल क्या होता है कि सर इनकम बोलता है इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। मेरा तो क्रेडिट हुआ है तो मेरा इंटरेस्ट क्या हो गया? बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, प्लस आउटस्टैंडिंग। कितने रुपए का? 2000, 8000। ये भी हो गया, आगे बढ़ा जाए। फोर्थ पॉइंट, प्रीपेड इंश्योरेंस 2000। बोल रहा है इंश्योरेंस का प्रीपेड में खर्चा कर दिए, एंट्री बोलो। सर प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस, कितने अमाउंट का? 2000। 2000 रुपया का इंश्योरेंस प्रीपेड किए, तो प्रीपेड इंश्योरेंस सर ये तो एसेट्स, बैलेंस शीट में चला जाएगा, और ये इंश्योरेंस क्रेडिट हुआ है तो सर जैसे यहां पे इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था तो आप जोड़ दिए थे, तो ये भी जोड़ दीजिए। हम बोले भाई तुम समझ ही नहीं रहा है, इंटरेस्ट इनकम था तो इनकम क्रेडिट होता है तो प्लस कर दिए। ये इंश्योरेंस क्या इनकम है? पेड कर रहे हैं, खर्चा हुआ है, तो खर्चा अगर क्रेडिट होता है तो क्या करते हैं? माइनस, तो माइनस करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस का रूल क्या है? इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, तो सर डिक्रीज कराए हैं, क्रेडिट। क्या लिखेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। कितने का प्रीपेड है? 2000, 6000 रुपया। पॉइंट नंबर ई, डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट बाय 10%, 10% लगेगा डेप्रिशिएशन, एंट्री बोलो। सर डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन, कितने रुपए का? 10%। प्लांट एंड मशीन कितने का था? 80,000, उसका 10%, 8,000। सर 80,000 का था, उसका 10%, 8,000 रुपए। बताओ ट्रीटमेंट, डेप्रिशिएशन डेबिट, डेप्रिशिएशन क्या है? इनकम या एक्सपेंस? एक्सपेंस, तो एक्सपेंस लिख दो। कितने का? 8000। कि सर ये तो चला गया पीएल में। टू प्लांट एंड मशीन, दूसरा बार ट्रीटमेंट बताओ, एसेट साइड में माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि सर एसेट्स क्रेडिट हुआ है, तो एसेट्स अगर क्रेडिट हुआ मतलब एसेट्स घट गया है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड ये माइनस हो जाएगा। सेकंड ट्रीटमेंट हो गया, दो ट्रीटमेंट हमेशा होना है उसका। पॉइंट नंबर एफ लिखा है, फर्दर बैड डेट अमाउंटिंग टू 2000, फर्दर बैड डेट हुआ है, एंट्री क्या होगा? बैड डेट अकाउंट डेबिट। ये कौन सा बैड डेट है? एडजस्टमेंट वाला, फर्दर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितने का? 2000। इफेक्ट बताओ सर, बैड डेट डेबिट, खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया तो जोड़ दो,
फर्दर बैड डेट कितने का 2000। ये तो ए नंबर। आगे फिर एक और बात लिखा है, लिखा है प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर 5% एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट। सर ये तो 5% है, पैसा कैसे निकालेंगे? हम बोले अभी अभी आपको सिखाए थे, हम बोले थे कि जो डेटर रहेगा, क्वेश्चन में देखो डेटर दिया हुआ था 40,000, इसमें माइनस करते हैं कौन सा बैड डेट, पहले बैड डेट माइनस होता है, लेकिन कौन सा बैड डेट, जो ट्रायल बैलेंस में है वो वाला या जो एडजस्टमेंट में है वो वाला? सर जो एडजस्टमेंट में है वो वाला, तो एडजस्टमेंट वाला बैड डेट कितने का है 2000, नया अमाउंट कितना आया 38,000। फिर इसमें क्या माइनस होता है? सर इसमें माइनस होता है प्रोविजन, ये प्रोविजन कितना निकालना है 5%, किसका 5%, 40 का? ना 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 ना, फर्दर जो एडजस्टमेंट वाला है वो घटाने के बाद जो आया वो 1900 रुपया। तो सर 1900 रुपया, अगर कोई डिस्काउंट होता तो सर डिस्काउंट इस 36,100 के ऊपर लगता। अब इफेक्ट बताओ, पीएल डेबिट, और हम लिखवाए थे कि जो एडजस्टमेंट में प्रोविजन रहेगा वो बैड डेट में जुड़ जाएगा, इसका नाम होता है क्लोजिंग प्रोविजन 1900। और दूसरा बार ये जो प्रोविजन है एसेट साइड में डेटर से माइनस कर दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ा जाए, अगला पॉइंट पढ़िए, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2000, आपको एडवांस में कमीशन मिल गया, मिटा रहे हैं। कमीशन एडवांस में मिल गया, तो सर एडवांस में अगर इनकम हो गया तो एंट्री क्या करते हैं एडवांस इनकम का? एंट्री होता है कमीशन अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। कितने रुपए का कमीशन है वो देखो, एक मिनट कहां चला जाता है रे भाई, लिखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटिंग टू 2000, तो सर 2000। इफेक्ट बताइए, कमीशन क्या है इनकम, और इनकम यहां क्या हुआ है डेबिट, तो सर इनकम अगर डेबिट हुआ है तो इनकम घट गया है, क्योंकि इनकम का रूल है बढ़ेगा तो क्रेडिट घटेगा तो डेबिट, एडवांस में मिला है तो एंट्री क्या बना कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन, ये तो लाइबिलिटी बन जाएगा कि सर आपको एडवांस में पैसा मिल गया तो आपके लिए एक लाइबिलिटी है, काम करना पड़ेगा, और जो कमीशन है वो डेबिट हो गया 2000 से तो माइनस। खत्म, सारा बात खत्म हो गया, और अब हम लोग को निकालना है नेट प्रॉफिट। चलिए जोड़ा जाए, 1 लाख प्लस 10 प्लस 10 1,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 24 और 14 38,000 माइनस 6,000 माइनस 1900 माइनस 8,000 66,100। आइए मैच कराएं, क्या बुक में भी यही आंसर है 66,100? जी हाँ, यही आंसर है। तो फाइनल अकाउंट कभी भी एडजस्टमेंट आपको तकलीफ नहीं दे सकता है अगर आपका जर्नल एंट्री अच्छा हो। अगर हमको जर्नल एंट्री आएगा तो हमको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा कि सर किसका क्या ट्रीटमेंट होता है, याद करने का वो बात ही नहीं हो सकता है, बस आपको
हर एडजस्टमेंट का एंट्री लिखना है, और वो तभी पॉसिबल है जब आपको जर्नल एंट्री आता हो बहुत अच्छा से। इसलिए हम बोले थे कि हम यही मान के पढ़ा रहे हैं आपको कि जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस आप पक्का पढ़े हैं, आपको उसका रूल पता है, एसेट्स लाइबिलिटीज प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ये सब आपको पता है, तभी आपको हेल्पफुल होगा ये चैप्टर पढ़ने में। और ये सब चैप्टर हम कब पढ़ाएंगे, लास्ट में, क्योंकि ये सब ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, हम पहले पढ़ा रहे हैं इसको। लिखिए, तो आज के लिए हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास जब आएंगे तो बैलेंस शीट के ऊपर बात होगा और कुछ नया कॉन्सेप्ट के ऊपर बात होगा, और फिर बाकी क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने जितने भी सीएमए फ्रेंड है जो फाउंडेशन लेवल पे है उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिले, क्योंकि हम आपको पूरा पढ़ाएंगे और सब कुछ समझा समझा के पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।